हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है, फाइन। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे HTML टैग, जो आपका सबसे पहला टैग यूज होता है HTML टैग। HTML टैग के अंदर आप यूज करोगे हेड टैग, राइट। हेड टैग में आप क्या देते हो, हेड इंफॉर्मेशन देते हो, फाइन। और हेड टैग के अंदर क्या आता है आपका, टाइटल टैग, फाइन। टाइटल टैग के अंदर आप दोगे अपना वेब पेज का टाइटल, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माई फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल, फाइन। अब आप टाइटल टैग को क्लोज कर दोगे, फाइन, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है। और फिर हेड टैग को क्लोज कर दोगे, फाइन। तो ये क्या हुआ, आपका जो वेब पेज की हेडलाइन आएगी, मतलब वेब पेज का जो टाइटल आएगा, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, ओके। अब हम वेब पेज की बॉडी स्टार्ट करेंगे, ओके। अब आपकी वेब पेज की बॉडी आएगी, तो क्या होता है, बॉडी टैग इज द कंटेनर टैग दैट स्पेसिफाई द एक्चुअल बॉडी ऑफ द वेब पेज। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी आप स्पेसिफाई करोगे, वो क्या होगा, एक वेब पेज की एक्चुअल बॉडी होगी, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज आर स्पेसिफाइड विद इन द बॉडी टैग। जितने भी वेब पेज के एलिमेंट्स होते हैं, वो आप किसके अंडर देते हो, बॉडी टैग के अंडर देते हो, फाइन। तो यहाँ पे हमारा बॉडी टैग आ गया। अगर मैं बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाऊँ, बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम, तो मैंने यहाँ पे किया दिस इज माय, आप किसी भी उसमें कैपिटल लेटर, या आप किसी भी लेटर में, लोअर लेटर में आप इसको, इसकी कमांड लिख सकते हो, फाइन। दिस इज माई फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल, ओके, फाइन। मैंने इसको बॉडी को क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, फाइन। उसके बाद आपने क्लोज कर दिया HTML। तो अभी हमने बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हमने टाइटल दिया है और बॉडी के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, दिस इज माई फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल, ओके। अब इसको सेव कैसे करेंगे, फाइल पे जाओ, या फिर आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हो, सेव एस। सेव एस में यहाँ पे आप नेम दे दोगे, कोई भी नेम दे दो आपने, जैसे आपने दे दिया फर्स्ट ट्यूटोरियल, फाइन। डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे डॉट, फाइल का नेम डॉट HTML, ये नहीं आपको भूलना है कि फाइल का नेम आपको जरूर देना है, कुछ भी आप नेम दो उसके साथ आपको उसकी एक्सटेंशन जरूर देनी है, ओके। यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन फर्स्ट ट्यूटोरियल डॉट HTML, फाइन। इसको मैंने कर दिया सेव, तो ये मेरा सेव हो गया है, ओके। अब हम देखेंगे इसको डेस्कटॉप पे अपने, ये आ गई आपकी फाइल, फाइन। राइट क्लिक करो उस पे एंड ओपन विद, जो भी आपके पास ब्राउजर है आप उसके उस पे उसको ओपन कर लो, ओके। नाउ आप देख सकते हो आपका जो जो आपका इसकी हेडिंग आई है, वो क्या आई है, माय फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल, लुक एट दिस, एंड दिस इज योर वेब पेज। वेब पेज में सिर्फ अभी आपने क्या दिया, दिस इज माय फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल, ओके। ये आपका वेब पेज आ गया, फाइन। अब हम फिर से चलते हैं अपनी फाइल के पास। अभी हमने बहुत सिंपल किया, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड की हेल्प से आप कोई भी पिक्चर वेब पेज के बैकग्राउंड में लगा सकते, फाइन। मान लो एक छोटी सी पिक्चर है, तो क्या होगी, वो पिक्चर्स की कॉपीज बन जाएगी, वो कंप्लीट वेब पेज को कवर कर लेगी। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड देना है, फाइन। तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो पिक्चर, पिक्चर का आपको सबसे पहले यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा, बैकग्राउंड में यूआरएल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ओके। तो ये मैंने, ये एक पिक्चर मुझे मिली है, तो इसको, इसका क्या चाहिए, मुझे यूआरएल चाहिए। तो इसको भी आप क्या करोगे, ओपन विद ब्राउजर में आप उसको ओपन कर लो, किसी भी ब्राउजर में, जैसे मैंने इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर लिया, फाइन।
ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है और इसका हम इसके एड्रेस बार से आपको क्या मिल जाएगा, इसका एड्रेस। तो यहाँ से इसका आप एड्रेस कॉपी कर लो, एड्रेस कॉपी हो गया। सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, और जब भी आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हो तो कंट्रोल एस करते जाओ, मतलब वो अब सेव हो गई है फाइल। अब ये सेव हो गई है, अब आप अपनी फाइल पे जाओ। देखो रिफ्रेश करने से क्या हुआ, जो आपने पिक्चर ली थी वो एज अ बैकग्राउंड आ गई है। फाइन, जो आपने अभी पिक्चर को यूज पिक्चर का यूआरएल दिया था वो एज अ बैकग्राउंड आपकी यहाँ पे आ गई। ओके, अगेन नाउ हम अपनी फाइल में चलते हैं। अब क्या करना है, मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे सिंपली बैकग्राउंड में कलर चाहिए। तो आप इसको हटा दो बैकग्राउंड को और आप दूसरा एट्रीब्यूट यूज करो बॉडी टैग का, बीजी कलर। और ध्यान रखना है कलर की स्पेलिंग क्या है, COLOR। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कलर, ग्रीन दे देते हैं। चलो लेट, यहाँ पे मैंने दे दिया कलर ग्रीन, बॉडी बीजी कलर। कंट्रोल एस सेव कर दिया, सॉरी। फाइन, अब आप जाओ अपनी फाइल पर और इसको कर दो रिफ्रेश। फाइन, अब देखो यहाँ से बैकग्राउंड चला गया है, पिक्चर्स चली गई है और बैकग्राउंड कलर आ गया, बीजी कलर आ गया। ओके, अगेन आपने बीजी कलर दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे टेक्स्ट को भी कलर देना है। टेक्स्ट को कलर देना है तो मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज किया, बॉडी टैग के टेक्स्ट एट्रीब्यूट का मैंने दे दिया टेक्स्ट को कलर ब्लू, ब्लू। राइट, सेव करो। ओके, अपनी फाइल पे जाओ, इसको रिफ्रेश करो। आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, अभी टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, ब्लू। फाइन, नेक्स्ट अपनी फाइल में जाओ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देंगे टॉप मार्जिन। फाइन, टॉप मार्जिन क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द टॉप मार्जिन ऑफ अ वेब पेज, दैट इज द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेब पेज। ये क्या है, आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि जो आपका टेक्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हो उस वो टॉप से कितने मार्जिन पे है, मतलब कितना उसके और उसके बीच में गैप हो। राइट, तो यहाँ ये आप स्पेसिफाई करते हो नंबर ऑफ पिक्सल्स में। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 100 पिक्सल्स दे देती हूँ। ओके, और क्या होता है, 72 पिक्सल्स आर इक्वल टू 1 इंच। ओके, 72 पिक्सल किसके इक्वल होते हैं, 1 इंच के इक्वल होते हैं। तो मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया 100 पिक्सल का। और नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे लेफ्ट मार्जिन। पहले टॉप मार्जिन ही यूज करके देखते हैं, एक एक करके दिखाती हूँ ना आपको, कंट्रोल एस। ठीक है, फाइन, अब यहाँ पे जाओ और टॉप मार्जिन इसको रिफ्रेश करो। देखो टॉप मार्जिन यहाँ पे आ गया, मार्जिन आ गया है 100 पिक्सल्स का। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू, मैंने लेफ्ट मार्जिन दे दिया, मतलब लेफ्ट से कितना गैप हो, बॉडी जो आपका गैप होना चाहिए वो 200 पिक्सल्स का होना चाहिए। राइट, लेफ्ट में कितना मार्जिन होना चाहिए, 200 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे दे दिया है। फाइन, तो इसको हमने सेव कर लिया, जो भी आप करते जा रहे हो उसको सेव करते जाओ। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करो अपने उसको, अब यहाँ से लेफ्ट से भी मार्जिन मिल गया। फाइन, ओके, अब हमारे पास क्या है, बॉडी टैग के हमने एट्रीब्यूट किए बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। अब हमारे पास है लिंक। ओके, लिंक क्या होता है, जो आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हो अपने वेब पेज पे, तो हम बॉडी टैग में आप उसका कलर स्पेसिफाई कर सकते हो, लिंक का कलर रेड हो। वी लिंक, वी लिंक मतलब जो लिंक आप एक बार क्लिक कर चुके हो, एक बार जिसको विजिट कर चुके हो, इसको हम ऐसा करते हैं एंटर करके नीचे ले लेते हैं। ओके, वी लिंक, वी लिंक में है आपका कलर, आप जो आप विजिट कर चुके हो उसको आप कर दो येलो, येलो, एंड देन आपका ए लिंक। ए लिंक में मैंने दे दिया कलर पिंक। फाइन, तो जो वेब पेज पे हाइपर लिंक्स होते हैं उसके कलर यहाँ पे स्पेसिफाई किया। अगर लिंक है जो आपने अभी लिंक बनाया उसको क्लिक नहीं किया, उसका कलर रेड हो, और अगर आप उस लिंक को एक बार क्लिक कर चुके हो, विजिटेड लिंक है, तो उसका कलर येलो हो जाए। और अगर वो एक्टिव लिंक है, मतलब आपने उस पे कर्सर रखा हुआ है पर आपने क्लिक नहीं किया, तो उसका कलर पिंक हो। ठीक है,
अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। हाइपरलिंक का एक अलग ट्यूटोरियल होगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ए एच आर ई एफ इक्वल टू किसी भी फाइल का लिंक। अब आपको यहाँ पे क्या है, लिंक करना है ना किसी एक पर्टिकुलर फाइल से। तो मैं क्या करती हूँ, कोई फाइल ले लेती हूँ, जैसे कोई भी फाइल जिससे मुझे लिंक करना है, एचटीएमएल फाइल से हमारे पास। ओके, जैसे क्वेश्चन 1 वाली फाइल है, इसको हमने क्या करना है, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, ओपन विद। तो यहाँ पे खुल गई या ओके। तो इसके एड्रेस बार से हमने क्या किया, इसका एड्रेस कॉपी कर लिया, एड्रेस बार से एड्रेस कॉपी कर लिया, इसको कर दो बंद, ने कॉपी करके यहाँ लगा दिया अपने लिंक में। ओके, ये मैं आपको इसका एक अलग ट्यूटोरियल दूंगी। यहाँ पे मैं ये आपको हाइपरलिंक बना के सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक ये बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स है, लिंक, वी लिंक और ए लिंक। ओके, इनको शो करने के लिए मैं आपको हाइपरलिंक बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने हाइपरलिंक का टेक्स्ट दे दिया, लिंक टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज फाइन, और आपने हाइपरलिंक को कर दिया अपने क्लोज, राइट। अब आप जाओगे अपने एचटीएमएल अपने पेज पर, और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो तो यहाँ पे हमारा आ गया लिंक टू नेक्स्ट पेज। इसको अगर आपने क्लिक किया तो ये क्या हो गया है, पिंक हो गया, मतलब एक्टिव लिंक है। अभी मैंने इसको सिर्फ क्या करके रखा हुआ है, प्रेस करके रखा हुआ है, राइट। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, फाइन। ओके, नाउ लुक, बट अभी इसने रेड कलर नहीं शो किया, रेड कलर भी शो करना चाहिए था लिंक का, रेड कलर इसने अभी विजिटेड लिंक का कलर शो कर दिया और उसका नहीं किया है, ठीक है। हम कोई और फाइल, एक और लिंक बना के देखते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ब्राउजर कुछ फीचर्स को सपोर्ट करता है, कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी कोई बात नहीं, एक लिंक और बना लेते हैं, ए एच आर ई एफ, ठीक है। यहाँ पे हम किसी दूसरी फाइल का दे देते हैं एड्रेस, एड्रेस एड्रेस किसी दूसरी फाइल का, ठीक है। अब मैंने दिया क्वेश्चन 5, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, मे बी यहाँ से इसका हमने एड्रेस कॉपी किया, Ctrl C, ठीक है, इसको कर दिया क्लोज, इसको भी कर दिया क्लोज, Ctrl V, राइट, फाइन, लिंक, और सिंपली हमने लिख दिया लिंक और देन वी हैव टू क्लोज दिस। यहाँ पे br टैग लगा देते हैं, इससे क्या होगा, जो लिंक नेक्स्ट लिंक है वो नेक्स्ट लाइन में है, राइट। फाइन, अब यहाँ पे हम जाएंगे अपनी फाइल के पास, हमारी फाइल ये है, देखो अब आया, इसमें रेड कलर हमने दिया था सिंपल लिंक के लिए। जब आप इसको एक्टिव लिंक बनाओगे, मींस उसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐसे सिंपली क्लिक करोगे तो वो क्या होता है आपका एक्टिव लिंक, ए लिंक, और जब आप इसको विजिटेड लिंक बना दोगे तभी येलो हो जाएगा। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, फाइन, हम दूसरी फाइल पे आ गए हैं और हम दोबारा जाएंगे तो देखेंगे येलो कलर का हो गया, फाइन। तो हमने 3 कलर दिए थे कि लिंक का कलर क्या होगा, रेड, विजिटेड लिंक का होगा येलो और एक्टिव लिंक का होगा पिंक, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉडी टैग के सारे एट्रीब्यूट कर लिए, बॉडी बैकग्राउंड जिसमें आप पिक्चर्स दे सकते हो वेब पेज के बैकग्राउंड में, बॉडी बीजी कलर आप कोई भी कलर स्पेसिफाई कर सकते हो, टेक्स्ट, टेक्स्ट से आप टेक्स्ट कलर दोगे, टॉप मार्जिन मतलब टॉप से कितना मार्जिन हो, विच यू विल गिव इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स में देते हो आप। और मैंने आपको बता दिया कि 72 पिक्सल्स आर इक्वल टू 1 इंच, लेफ्ट मार्जिन, ओके, 200 पिक्सल हमने दिया लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक एट्रीब्यूट। तो ये हमारे क्या है, जितने भी टैग्स एचटीएमएल में यूज होते हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे, फाइन। लेट अस स्टार्ट एचटीएमएल टैग, ओके, स्टार्टिंग में अब हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे, हेड टैग, हेड टैग के अंदर क्या आएगा आपका, टाइटल, और टाइटल हमने दे दिया फॉन्ट टैग ट्यूटोरियल, फाइन, ये हमने टाइटल दे दिया। अब टाइटल
टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज कैसे करते हैं, बैक स्लैश लगा के क्लोज करते हैं। फाइन, ऐसे ही हमने क्या किया, अब हम हेड को क्लोज करके बैक स्लैश लगाया एंड देन हेड। ओके, तो ये हमारा हेड हेड इंफॉर्मेशन क्लोज हो चुकी है। फाइन, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द फॉन्ट टैग। अब आप क्या करोगे, फॉन्ट टैग दोगे, फॉन्ट। फाइन, और फॉन्ट के अंदर फेस, फेस मींस किस किस तरीके का फॉन्ट आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। पहले टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, या हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, जैसे हमने ये एक पर्टिकुलर वो ले लिया, टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। ओके, ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, इसको कॉपी कर लिया। फाइन, ओके, अब इसका जो फेस हम चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल हो वो क्या हो, उसके लिए आप कैसे करोगे, देखो आप जाओगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे क्लिक करो, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करो, इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, आ गया। अब देखो इतने सारे फॉन्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स दे रखे हैं। फाइन, जैसे आपको कोई भी चाहिए, आपने क्लिक किया पर्टिकुलर पे, ओके पे क्लिक नहीं करना है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, ओके पे क्लिक नहीं करना है। जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए सिर्फ उस पे क्लिक करो और कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल सी कर दिया आपने, कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, ये आपका आ गया स्टाइल, स्टाइल दे दिया हमने, एक एट्रीब्यूट दे दिया, फॉन्ट फॉन्ट फेस दे दिया। ठीक है, फॉन्ट फेस से आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, फॉन्ट स्पेसिफाई कर दिया कि जो हमने ये टेक्स्ट लिया है उसका फॉन्ट क्या होगा। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट भी अप्लाई कर देते हैं, हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है साइज। फाइन, जो जिसमें वन स्मॉल है और सेवन लार्जेस्ट है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ओके, एंड देन हमारा आता है कलर, कलर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर हो रेड, रेड। फाइन, ओके, इस टेक्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग के अंदर डालना पड़ेगा। तो क्या है, फॉन्ट स्टार्टिंग, ये आपका फॉन्ट स्टार्टिंग है। फाइन, और फॉन्ट एंडिंग, दिस इज योर फॉन्ट एंडिंग। फाइन, तो आपने इसको क्या इसको एनक्लोज कर दिया, फॉन्ट स्टार्टिंग टैग के बीच में और एंडिंग टैग के बीच में। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को, बॉडी को क्लोज करेंगे क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है। अगेन हम HTML को क्लोज कर देंगे, ये भी हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। ओके, नाउ यू हैव टू सेव योर फाइल, कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हो, यहाँ पे फाइल में जाके सेव एस करके भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। जैसे हम इस, मैंने इसका नेम दे दिया फॉन्ट डॉट HTML। फाइन, हमेशा यह रखना है कि HTML एक्सटेंशन जरूर दे दें। ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन, राइट, आपकी फाइल है, राइट क्लिक करेंगे एंड देन ओपन विद जो भी एक्सप्लोरर आपके पास है, जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हो, जो आपने फॉन्ट फेस दिया था, ठीक है, साइज दिया था और कलर दिया था, उसमें आपका टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। फाइन, नाउ वी हैव बेस फॉन्ट टैग। ठीक है, तो बेस फॉन्ट टैग का क्या यूज है, बेस फॉन्ट टैग अलाउज अस टू सेट डिफॉल्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज फॉर द एंटायर वेब पेज व्हेन नो अदर फॉन्ट सेटिंग्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन द पेज, इट इज एन एम्प्टी टैग। तो ये क्या कह रहा है कि बेस फॉन्ट टैग क्या करता है, अगर आपने फॉन्ट टैग नहीं अप्लाई किया है अपने वेब पेज पर, तो बेस फॉन्ट टैग से आप पूरे कंप्लीट वेब पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, एक एम्प्टी टैग है। फाइन, ओके, तो बेस फॉन्ट क्या है, जहां जहां पे फॉन्ट टैग नहीं अप्लाई हुआ है, बाकी के बचे हुए टेक्स्ट पे किसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, बेस फॉन्ट की सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फाइन, ओके, तो बेस फॉन्ट के भी आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, फेस आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, अगेन आप साइज चेंज कर सकते हो एंड कलर चेंज कर सकते हो, राइट, ओके, और ये आप जहां जहां पे फॉन्ट टैग अप्लाई नहीं दिया है वहां पे बेस फॉन्ट की सेटिंग्स अपने आप जाके अप्लाई हो जाएंगे। फाइन, आप इसको प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, राइट,
अब यहाँ पर हम बेस फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं, बेस फॉन्ट फेस फेस, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट पर जो भी आपको चाहिए, मान लो मुझे चाहिए राइट ये फॉन्ट स्टाइल चाहिए, सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, ओके नहीं करना है राइट। अब इसको यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, फॉन्ट फेस साइज, साइज आप ले लो, साइज आपने लिया 3, स्मॉल साइज लेते हैं, एंड देन कलर ब्लू, फाइन। अब हम टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट ले लिया हमने यहां से इतना टेक्स्ट, कंट्रोल सी, और इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट ले लिया कंट्रोल, ये इतना टेक्स्ट ले लिया, और टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं वन मोर लाइन, इतना ले लेते चलो। फाइन, अब देखो ऊपर जो टेक्स्ट लिया है यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देती हूँ, बी आर इज फॉर ब्रेकिंग द लाइन, ठीक है, ब्रेक रूल होती है, इससे क्या होता है कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अब यहाँ पे भी मैं बी आर टैग लगा देती हूँ। अब आपको क्या समझना है कि जो ये वाला टेक्स्ट है ठीक है, ये फॉन्ट के अंदर है राइट, ओके, एंड जो बाहर जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो फॉन्ट के अंदर नहीं है, फाइन। तो ये आपको देखना है, बाहर कोई फॉन्ट नहीं दिया हुआ है, सिंपली मैंने बेस फॉन्ट अप्लाई कर दिया है, फाइन। तो हमने बेस फॉन्ट को अप्लाई कर दिया है, ओके। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, देखो टेक्स्ट क्या होता है, कुछ लोग उसको क्लोज करते भी हैं, बट ऐसा जिसकी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज एन एम्प्टी टैग। अब जहां जहां पे फॉन्ट टैग अप्लाई नहीं हुआ है वहां वहां बेस फॉन्ट की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, देखो अब यहाँ पे जहां पे फॉन्ट टैग अप्लाई किया था वहां पे उसकी सेटिंग है, फाइन, और जहां जहां नहीं अप्लाई हुआ वहां पे हमारी बेस फॉन्ट की सेटिंग आ गई है, ओके। साइज 3 आया है, स्मॉल साइज आया है, ब्लू कलर आया है, ओके, और जो हमने फॉन्ट स्टाइल लिया है वो फॉन्ट स्टाइल आया है, फाइन, ओके ओके। सो हियर वी हैव डन फॉन्ट टैग एंड बेस फॉन्ट टैग राइट। फॉन्ट टैग के आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स है, फेस साइज एंड कलर, सेम हमारे पास बेस फॉन्ट के भी 3 एट्रीब्यूट है, फेस साइज एंड कलर। डिफरेंस क्या है, फॉन्ट टैग एक कंटेनर टैग है, जो भी टैग्स आप इसके अंदर मतलब फॉन्ट टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप लिखोगे, ओके, टाइप करोगे, उसकी ही फॉर्मेटिंग होगी, जबकि बेस फॉन्ट क्या है, एक एम्प्टी टैग है, और ये क्या करता है पूरे पेज पर अप्लाई होता है, जहां जहां फॉन्ट फेस की आपने फॉन्ट फेस नहीं दिया है वहां वहां बेस फॉन्ट की सेटिंग आ जाती है। और अगर आप चाहते हैं पूरे पेज पर बेस फॉन्ट की सेटिंग आए तो आप बेस फॉन्ट एक बार स्पेसिफाई कर दो उसके एट्रीब्यूट्स, और वो पूरे के जो पूरा वेब पेज है उस पे वो अप्लाई हो जाएगा, ओके। सो लेट अस स्टार्ट, सबसे पहले हम लेंगे एचटीएमएल, हमेशा एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं। देन आपका हेड आ गया, हेड के अंदर आप क्या दोगे, टाइटल दोगे वेब पेज का, टाइटल टाइटल आपने दिया बी आर टैग ट्यूटोरियल, ये हमने दे दिया, ठीक है। अब आपने टाइटल को क्लोज किया, फाइन, हेड को क्लोज करना है, बैक स्लैश हेड, नाउ बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में हम अप्लाई करते हैं, ओके, तो इसके लिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे आपने लिया यहां से हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहां से हमने ये छोटा सा लेते हैं, यही ले लेते हैं, बड़ा पैराग्राफ ले लिया, दिस वन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। नाउ क्लोज बॉडी टैग एंड देन एचटीएमएल,
अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर दिया, राइट, लेकिन कहीं पर भी बी आर टैग नहीं लगाया। अगर आप बी आर टैग नहीं लगाते हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये आप अभी आप देखोगे, ठीक है। आपका जो है व्हाट एवर यू हैव रिटन, जो भी आपने लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा टिल वो कंप्लीट वेब पेज के जो विथ है उसको कवर नहीं कर लेता है, ठीक है। तो पहले इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस हमने सेव किया, बी आर करके कर देते हैं डॉट HTML, राइट, सेव, फाइन, ओके। नाउ को हम देखते हैं बी आर हमारी फाइल यहाँ पर है, ओपन विद, कोई भी आप ब्राउजर से ओपन कर लो, मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर कर दिया, फाइन। नाउ यहाँ पे आप देखो जब तक कि कंप्लीट वेब पेज नहीं आ जाता यहाँ पे कोई भी ब्रेक्स नहीं है, लाइन ब्रेक्स नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, लाइन ब्रेक्स चाहिए। उसके लिए आप क्या लगाओगे, बी आर टैग यूज करोगे, फाइन। तो हम अब यूज करते हैं बी आर टैग का, जैसे मैंने यहाँ पे द सीड्स ऑफ इंटरनेट प्लांटेड इन दिस 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 यहाँ पे, ओके, इस लाइन के बाद मैंने कर दिया बी आर, फाइन। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन डिफेंस, यहाँ के बाद मैंने कर दिया बी आर टैग यूज। द मिड इट इज फाउंडेशन फिट इज न्यू हैव Discord, ARPANET. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी आर टैग, राइट, इट दो 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 दो, ओके। अभी तो लास्ट लाइन है, यहाँ पे बी आर की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो जहां जहां पे हमें लाइन ब्रेक चाहिए था वहां पे हमने बी आर को यूज कर लिया है, ओके, और इसे सेव कर दिया, फाइन। नाउ अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो आपने बी आर का यूज किया तो क्या हुआ, जहां जहां बी आर का यूज हुआ है वहां पे क्या हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बी आर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, फाइन, ओके। नेक्स्ट टैग है पी टैग, और यू कैन से पैराग्राफ टैग, ओके। पी टैग इज अ कंटेनर टैग विच इज यूज टू क्रिएट पैराग्राफ्स इन द वेब पेज। अगर हमें वेब पेज के अंदर पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग या पी टैग का यूज करते हैं, फाइन। HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ, और जब पैराग्राफ क्रिएट होता है तो पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद क्या आ जाता है, एक लाइन का ब्रेक आ जाता है, एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है, फाइन, ओके। एंड पी टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, इसका एट्रीब्यूट है अलाइंग एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट द पैराग्राफ क्रिएटेड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स आर लेफ्ट अलाइंग। अगर आप कोई भी अलाइंग एट्रीब्यूट नहीं देते हो, मतलब अलाइंग एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइंड होगा, लेफ्ट साइज में साइड में पैराग्राफ आपको मिलेगा, ओके। द अलाइंग एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ विद इन द वेब पेज। तो अलाइंग एट्रीब्यूट का क्या यूज है, इससे आप पैराग्राफ का अलाइनमेंट कर सकते हो कि वो लेफ्ट में अलाइन करे या राइट में अलाइन करें या सेंटर में लाइन करें, ओके। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ओके। अब जहां पे मैंने बी आर टैग लगाया था वहां पे मैं क्या करती हूँ, पी टैग लगा देती हूँ, पैराग्राफ टैग लगा देती हूँ, पैराग्राफ इन लाइंस को मैं पैराग्राफ बना देती हूँ, पैरा क्योंकि कंटेनर टैग है तो आपको स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग देना होगा, राइट। अगेन दिस इज माय पी टैग, ओके, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया स्लैश पी से, देन अगेन यू विल स्टार्ट। ये कंटेनर टैग होता है पैराग्राफ टैग, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आपको स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों देने हैं, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट भी आपने यहाँ पे पी टैग स्टार्ट किया और आपने इसको क्लोज कर दिया, राइट, और सेव, फाइन। अब मैंने बी आर टैग को हटा दिया है, उसके प्लेस पे पैराग्राफ टैग को अप्लाई कर दिया है, तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपनी फाइल और उसको रिफ्रेश करेंगे। नाउ सी क्या है, पैराग्राफ टैग अप्लाई करने से क्या हुआ है, ये जो जितनी भी लाइंस हैं वो पैराग्राफ बन चुकी हैं, और पैराग्राफ टैग जब आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद वो वन लाइन का क्या देता है, गैप देता है, फाइन। तो यहाँ पे वन लाइन का गैप मिला हुआ है, यू कैन सी। अब पैराग्राफ टैग का एक ही एट्रीब्यूट है लाइन एट्रीब्यूट, वो भी हम अप्लाई करके देखते हैं, फाइन, कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हमने ये वाला मिड वाला ये वाला ले लिया, पी अलाइन इक्वल टू राइट, राइट राइट में हमने इसको कर दिया। नाउ सी, अब बाय डिफॉल्ट क्या है, सारे लेफ्ट अलाइन है,
ओके okay, अब लेकिन हमने एक एक जो सेकंड वाला है इसको हमने क्या कर दिया, राइट अलाइन। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये राइट में चला गया। फाइन, ऐसे ही आप सेंटर कर सकते हो। सेंटर, रिफ्रेश किया, देखो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका अलाइन एट्रीब्यूट अप्लाई किया। फाइन, ओके। तो यहाँ पे हमने बीआर टैग किया है, पैराग्राफ टैग किया। अच्छा, पैराग्राफ और ब्रेक लाइन में क्या डिफरेंस है? पैराग्राफ टैग क्या है, कंटेनर टैग है, इसके आपको स्टार्टिंग और एंडिंग टैग देना पड़ता है। और बीआर टैग क्या है, एक एम्प्टी टैग है। फाइन, पैराग्राफ टैग में क्या होता है, आपको पैराग्राफ से अबव, मतलब पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद लाइन गैप मिलता है। ओके, बट बीआर टैग में ऐसा नहीं होता, गैप नहीं मिलता है। सिंपली ये क्या हो जाता करता है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। फाइन, ओके। सो हियर वी हैव डन पैराग्राफ टैग एंड बीआर टैग। ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग एचटीएमएल। ओके, एचटीएमएल इज अ कंटेनर टैग। इसके अंदर आप क्या दोगे, हेड, हेड में आप दोगे टाइटल, राइट। टाइटल में आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, जैसे हम दे देते हैं एचआर टैग, ट्यूटोरियल। ओके, एचआर टैग ट्यूटोरियल, देन आप टाइटल टैग को क्लोज करोगे और हेड टैग को क्लोज करोगे। फाइन, ये हमारी हेडर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बॉडी टैग। फाइन, अब देखो बॉडी टैग है, इसके अंदर आप हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंटेंट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लिया, ये एक लाइन ले ली है। फाइन, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, राइट। इसके बाद मैंने एचआर टैग यूज किया, एचआर हॉरिजॉन्टल रूल टैग। अगेन यहाँ से हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और राइट, एंड देन अगेन एचआर। फाइन, वन मोर पैराग्राफ आई एम टेकिंग, ओके। देन वी विल क्लोज द बॉडी टैग एंड देन एचटीएमएल। फाइन, तो यहाँ पे अभी हमने कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, सिर्फ एचआर टैग को सिंपली यूज किया है विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ओके, अब इसका रिजल्ट देखेंगे। ओके, सेव करेंगे, इसको मैंने दे दिया एचआर डॉट एचटीएमएल। हमेशा एक्सटेंशन जरूर लगानी है जब भी आप सेव करोगे। फाइन, सेव। ओके, नाउ दिस इज आवर फाइल। हम इसको करते हैं ओपन विथ, जो भी आपके पास एक्सप्लोरर है, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेती हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी, आपका फर्स्ट पैराग्राफ आया है, फिर आपके पास एक शेडेड हॉरिजॉन्टल लाइन आई है जो कंप्लीट वेब पेज को कवर कर रही है। ओके, देन सेकंड पैराग्राफ, देन हमने फिर से एचआर टैग लगाया था, तो शेडेड हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कंप्लीट वेब पेज को कवर कर रही है। फाइन, अब हम करेंगे एचआर टैग के एट्रीब्यूट। ओके, ओके। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा एचआर टैग का साइज एट्रीब्यूट। ओके, तो साइज एट्रीब्यूट से आप क्या करते हो, द साइज एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल टू बी ड्रॉन। साइज एट्रीब्यूट से आप उसकी थिकनेस स्पेसिफाई करते हो, उसकी विड्थ स्पेसिफाई करते हो। ओके, द साइज इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, और ये किसमें देते हो, नंबर ऑफ पिक्सल्स। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल्स, साइज इसका जो इसकी थिकनेस है वो कितनी हो जाए, 50 पिक्सल्स हो जाए। ओके, द डिफॉल्ट साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल इज 2 पिक्सल्स, और बाय डिफॉल्ट जो अभी आपकी ड्रॉ हुई थी, जो अभी आई है, जब आपने कोई साइज नहीं दिया है, वो क्या है, 2 पिक्सल्स का साइज है, राइट। हमने क्या दे दिया, साइज 50 पिक्सल्स का साइज दे दिया है। और साइज किस लिए स्पेसिफाई, साइज एटीट्यूड क्या स्पेसिफाई करता है, थिकनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, तो सेव करो। फाइन, रिजल्ट पे गए हैं, अब इसको हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश।
आप देखो कितनी थिकनेस हो गई है। ओके, ये अब 50 पिक्सल्स आ गए। हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स दे देती हूँ या 20 दे देती हूँ। चलो 20 कर दिया, फाइन, एंड देन रिफ्रेश। अभी 20 पिक्सल्स हो गई है। मैंने जो फर्स्ट जो हमारी एचआर जो हमने जो पहली वाली एचआर हॉरिजॉन्टल रूल है वो 20 पिक्सल्स है, और जो सेकंड एचआर है जिसमें कोई भी साइज एट्रीब्यूट नहीं दिया है वो 2 पिक्सल्स ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है विथ एट्रीब्यूट। ओके, तो विथ एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है? द विथ एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द रूल टू बी ड्रॉन। ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है? हॉरिजॉन्टल रूल की लेंथ, कितनी लेंथ है। ओके, द विथ इज स्पेसिफाइड आइदर इन द पिक्सल्स और इन परसेंटेज, राइट। और विथ को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सल्स में भी, नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी, और परसेंटेज में भी। वे 100% विथ मींस द फुल विथ ऑफ द वेब पेज। अगर मैं इसको कर दूं 100%, राइट, 100% का मीनिंग क्या होगा? कंप्लीट विथ, मतलब कंप्लीट वो लेंथ होगी वेब पेज की। अगर मैंने इसको सिंपली 100% कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा विथ में। देखो कंट्रोल एस किया आपने एंड देन रिफ्रेश, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया विथ के अंदर, फाइन। अगर मैं इसको करती हूँ मान लो 70%, 70% कर दिया, 70% ऑफ द वेब पेज, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, 70% ऑफ द वेब पेज। ओके, देन आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो 70% ये यहाँ इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक आ गई है। ठीक है, 70% कवर किया है इसने, फाइन। और आप इसको नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसको दे दिया अगेन, इसको इसकी लेंथ दे दी पिक्सल्स में 200 पिक्सल्स दे दो, फाइन, 200 पिक्सल्स दे दिए। नाउ देखो कितनी छोटी सी आ गई है यहाँ पर, इफ इट्स विजिबल। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये बिल्कुल स्मॉल सी रह गई इन द सेंटर, फाइन। देन वी हैव नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है? नो शेड एट्रीब्यूट, पहले हम इसको लिख लेते हैं, नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट डिस्प्लेस द रूलर बार एज अ फ्लैट सॉलिड बार रेदर देन द डिफॉल्ट 3D बार। अभी देखो, अभी हम इसको देखते हैं तो ये क्या 3D लुक दे रही है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रूल है वो 3D लुक दे रही है। लेकिन जब आप नो शेड एट्रीब्यूट दे दोगे तो ये क्या बन जाएगी? फ्लैट सॉलिड बार, ठीक है, सॉलिड बार दिखेगी, 3D लुक नहीं इसका रहेगा, सॉलिड बार लिखेगा, सॉरी। और नो शेड क्या है? नो शेड में आपको कोई पैरामीटर नहीं देना है, सिर्फ नो शेड एट्रीब्यूट एज इट इज यूज कर। ओके, मैंने नो शेड दे दिया है, नाउ यू कैन सी हियर, रिफ्रेश करेंगे, देखो ये सॉलिड फ्लैट बार हो गई, पहले 3D लुक दे रही थी, अब इस क्या है, सॉलिड फ्लैट बार। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट कलर। अच्छा, कलर एट्रीब्यूट में क्या आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल रूल का कलर स्पेसिफाई करोगे। आप कलर कोड में भी दे सकते हो और आप कलर सिंपल कलर नेम भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया येलो, फाइन। ओके, येलो आ गया। आप इसको कलर कोड में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको कलर कोड्स पता है, आप कलर कोड्स भी दे सकते हो, लाइक मैंने इस कलर कोड दे दिया FF, देखो कलर कोड मैंने रेड कलर का कलर कोड दिया तो क्या हो गया उसका कलर रेड, फाइन। यहाँ पे पहले हमने कलर दिया था येलो, आप सिंपल रेड भी दे सकते हो कलर कोड की जगह, आप सिंपल कलर नेम दे दो, फाइन, कलर कोड या कलर नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, देन वी हैव अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट, ओके, तो इट स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रूल, इट कैन एक्सेप्ट एनी ऑफ द 3 वैल्यूज, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, तो अलाइन में हम इसको लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में भी और राइट में भी। ओके, बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, जब अलाइन एट्रीब्यूट नहीं होता और हमने साइज या नहीं दिया होता तो वो कंप्लीट
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, फाइन। तो इसकी हेल्प से आप जिस डायरेक्शन में चाहो वहां पे अलाइन कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको कर देती हूँ राइट, रिफ्रेश, राइट में चली गई। सेंटर में करना चाहते हो आप सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो आप लेफ्ट में कर सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव डन एचआर टैग। ओके, एचआर टैग का क्या यूज है, इससे आप हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करते हो वेब पेज पे, राइट। और हमने कर लिया एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट विथ नो शेड कलर एंड अलाइन एट्रीब्यूट, फाइन। ओके, सो हियर वी हैव एचटीएमएल टैग। ओके, देन हेड, टाइटल, इन टाइटल यू कैन गिव हेडिंग, टैग, ट्यूटोरियल, फाइन। देन टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज, देन वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग, फाइन। ओके, अब इसमें हम लोग हेडिंग्स देंगे, तो हेडिंग्स के लिए कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं सिंपली। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, एवरी कंप्यूटर दिस इज बिग हेडिंग ले लिया मैंने। ओके, सो हियर आई एम, दिस इज H1, H1 क्या होता है, बिगेस्ट हेडिंग होती है, फाइन। क्लोज H1, ओके, दिस इज योर H1 हेडिंग, ओके। अब यहां पे हम इसका लेवल चेंज कर देंगे 2, 3, 4, 5, 6, same here, closing tag, 2, 3, 4, 5, 6, and then body tag close and then HTML close, ओके। ये हमारा बन गया है प्रोग्राम, छोटा सा हेडिंग टैग का। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, कोई भी नेम दे दो आप इसको, हेडिंग हेडिंग डॉट HTML, फाइन। पे हेडिंग फाइल आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर लेते हैं, चलो गूगल क्रोम भी कर सकते हो आप। नाउ लुक एट दिस, ये आपका आ गया है हेडिंग आगे। देखो सबसे पहले जो सबसे बिग हेडिंग है, जो सबसे आपने H1 में दी थी वो सबसे बड़ी हेडिंग है, फाइन। फिर आपने जो H2 में दी वो उससे थोड़ी सी स्मॉल है, देन H3, दिस इज योर H3, दिस इज योर H4, ओके, एंड दिस इज योर H5 हेडिंग, एंड दिस इज योर H6 हेडिंग, फाइन। ओके, सो हियर यू हैव गिवन हेडिंग्स विद द हेल्प ऑफ हेडिंग टैग, फाइन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम करेंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या है, सेंटर टैग में आप कोई भी टेक्स्ट दोगे या इमेज दोगे तो वो क्या आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी, एंड सेंटर टैग इज अ कंटेनर टैग, फाइन। जैसे ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है, इसको मैंने कर दिया सेंटर, सॉरी एच हेडिंग, ओके, इसको मैंने कर दिया सेंटर, सेंटर एंड देन सेंटर क्लोज, सेंटर क्लोज, ओके। सेंटर टैग अप्लाई कर दिया, सेंटर इज अ कंटेनर टैग, ओके। विद द हेल्प ऑफ द सेंटर टैग यू कैन मेक एनी टेक्स्ट और द इमेज इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज, फाइन। तो हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले इसको। देखो सेंटर में आ गई, ये वाली हेडिंग सेंटर में आ गई है, फाइन, ओके। अब एक वेब
वैसे इमेज में भी करवा नहीं रही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करवाऊंगी, फिर भी मैं सिंपल सी एक इमेज लेके देखती हूँ, आई एम जी एस आर सी। ओके, उससे पहले आप अप्लाई कर दो सेंटर टैग, सेंटर टैग फाइन, आई एम जी एस आर सी। यहाँ पे आप क्या दोगे, इमेज का यूआरएल दोगे, फाइन फाइन। ओके राइट, तो जो भी इमेज आपको चाहिए उसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे, कैसे, ओपन विद करके, इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड देन कॉपी कंट्रोल वी। ओके, हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया है एंड सेव कर दिया, फाइन राइट। अब हम जाके देखते हैं रिफ्रेश करके, रिफ्रेश, अब आप इसको पूरा वेब पेज को देखो, यहाँ पे क्या सेंटर में इमेज आ गई है, आपने टेक्स्ट को भी सेंटर में कर दिया, फर्स्ट जो हेडिंग थी उसको भी सेंटर में कर दिया, फिर इमेज भी आपकी सेंटर में आ गई है, फाइन। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव कमेंट टैग। हमने क्या किया, हेडिंग टैग किया, देन सेंटर टैग किया, सेंटर टैग से आप किसी भी टैग से आप इमेज को सेंटर में डिस्प्ले करा सकते हो। नाउ वी हैव कमेंट टैग। कमेंट टैग का क्या यूज है, कमेंट इज द टेक्स्ट व्हिच इज रिटन फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग। कमेंट क्या होता है, समटाइम्स हम ये कुछ अपने लिए कुछ टिप्स लिखना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं दैट शुड नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट में आप उसको टाइप कर सकते हो। ओके, व्हाई, बिकॉज कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर एंड आर नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। कमेंट को ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज पे, जैसे मैंने मुझे कुछ कुछ भी लिखना है। ओके, सो आई एम राइटिंग, दिस इज कुछ भी लिखती हूँ, दिस इज डेमो क्लास, डेमो क्लास राइट, मैंने लिखा दिस इज डेमो क्लास सिंपल। अब अगर आप उसको सेव करते हो और देखोगे तो डिस्प्ले करेगा, रिफ्रेश करो फाइन वेब पेज को, तो ये आया हुआ है, देखो दिस इज डेमो क्लास, ये छोटा छोटा आया हुआ है, दिस इज डेमो क्लास फाइन। अब मैं चाहती हूँ ये डिस्प्ले ना हो, दिस इज डेमो क्लास जो है वो डिस्प्ले ना हो, तो मैं क्या करूंगी, इसको कमेंट बना दूंगी फाइन। तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल एंगुलर ब्रैकेट देन यू हैव द एक्सक्लेमेशन, ये क्या है, सिंटेक्स है कमेंट टैग का, एंगुलर ब्रैकेट, तो ये मेरी अब कमेंट बन गई, दिस इज डेमो क्लास क्या बन गया, कमेंट बन गया। सेव करो, अब आप वेब पेज जब डिस्प्ले करोगे तो उस पे ये अपीयर नहीं करेगा, सी यहाँ पे नहीं आया, ऐसे ही देखो मैं कमेंट या सेकंड कमेंट को हेडिंग टैग फाइन, नॉट सॉरी हेडिंग टैग नहीं, कमेंट हियर एंड सेव फाइन। देखो आपकी जो हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग थी वो अब डिस्प्ले नहीं हो रही है, वाई, बिकॉज वो जो फर्स्ट हेडिंग थी अब क्या बन गई, कमेंट बन गई है फाइन। तो कमेंट क्या है, यूजर की के लिए है कमेंट का फीचर, इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी थिंग फॉर योर ओन यूज यू कैन राइट इन कमेंट, ठीक है। तो स्टाइल टेक्स का क्या यूज होता है, स्टाइल टेक्स का यूज होता है टेक्स की फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, हियर वी विल स्टार्ट विद द एचटीएमएल टैग। ओके, एचटीएमएल से हमने स्टार्ट किया, फिर हम देंगे हेड, हेड के अंदर आप क्या देते हो, टाइटल राइट, टाइटल हम दे देते हैं स्टाइल टैग्स। ओके एंड देन हेड क्लोज, टाइटल क्लोज एंड देन हेड क्लोज, हेड क्लोज। ओके, देन वी हैव बॉडी राइट। अब इसमें हम वन बाय वन स्टाइल टैग्स का यूज करेंगे, तो सबसे पहले जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा बोल्ड टैग, बी, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ओके, तो इसमें हम कुछ भी एक सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यही लेते हैं स्टाइल टैग ट्यूटोरियल। ओके, सो ये जो जितने भी टैग्स हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स या स्टाइल टैग्स, वो क्या है, कंटेनर टैग्स हैं, तो आप इसका ओपनिंग टैग भी यूज करोगे और
क्या करना है, इसका क्लोजिंग टैग भी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल्ड टैग यूज किया है। बोल्ड टैग क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आप बोल्ड टैग टैग के अंदर एनक्लोज करते हो, मतलब डालते हो उसकी बोल्ड टैग के अंदर, वो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, फाइन। अब यहाँ पे हम ब्रेक लाइन कर देते हैं जिससे वो नेक्स्ट लाइन में है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट टैग हम यूज करेंगे इटैलिक। ओके, इटैलिक सेम हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एंड देन ओके, या ये इटैलिक जो टैग होता है उसका किस लिए यूज होता है, इसको टू इटैलिसाइज्ड द टैग्स, मतलब उसको इटैलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपने टैग्स इसके अंदर लिखा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन टैग, यू टैग। ओके, राइट, यू टैग से क्या होगा, आपका जो भी टैग्स है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ओके, बी आर टैग। नेक्स्ट वी हैव बिग टैग। ओके, अब बिग टैग का क्या यूज होता है, इट मेक्स द एनक्लोज टैग बिगर इन साइज देन द सराउंडिंग टैग्स बाय 2 पॉइंट्स। मतलब जो भी टैग्स आप बिग टैग के अंदर एनक्लोज करोगे, बिग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा, वो जो सराउंडिंग वाला, जो उसके आसपास वाला टेक्स्ट होगा, उससे 2 पॉइंट्स क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, फाइन। 2 पॉइंट्स उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, फाइन। ओके, और स्मॉल टैग क्या करेगा, स्मॉल टैग टेक्स्ट को 2 पॉइंट स्मॉल कर देगा, मतलब जो सराउंडिंग टेक्स्ट है, जो उसके आसपास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के कंपेरेटिवली वो 2 पॉइंट छोटा हो जाएगा। बिग टैग में के में क्या करता है, 2 पॉइंट्स उसको बड़ा कर देता है, और स्मॉल टैग क्या करता है, 2 पॉइंट उसको छोटा कर देता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। ओके, देन वी हैव स्ट्राइक टैग एस। ठीक है, स्ट्राइक टैग क्या होता है, अ लाइन पासेस टू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। जब आप स्ट्राइक टेक्स्ट का यूज करते हो तो एक लाइन पास करती है टेक्स्ट के मिडल से। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू भी बोलते हैं और स्ट्राइक टैग, राइट, एस। ओके, देन वी हैव सब टैग, सब टैग। ओके, द सब टैग डिस्प्लेज द एनक्लोज्ड टैग टेक्स्ट एज अ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आप जो भी टेक्स्ट आप एनक्लोज करोगे या नंबर एनक्लोज करोगे सब टैग के अंदर, वो एज अ सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट अपीयर स्लाइटली बिलो द बेस लाइन, और यू कैन से जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, जो ऑलरेडी जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है उससे थोड़ा छोटा, उसके बिलो आता है, उसके नीचे आता है, उसका फॉन्ट भी उससे छोटा होता है, राइट। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम H2O का, फाइन। H2O हम लिखेंगे यहाँ पे, BR टैग लगा लगा देते हैं, इसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ओके, सबस्क्रिप्ट हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें H2O लिखना है, फाइन, हमें क्या लिखना है, H2O। तो हमने H लिया, ओके, अब H के बॉटम पे क्या है, 2 है, तो हमने 2 को क्या कर दिया, सब टैग के अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा, ये सबस्क्रिप्ट 2 क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, H के बॉटम में आ जाएगा, और यू कैन से H की बेस लाइन पे आ जाएगा, उसका फॉन्ट भी स्मॉल हो जाएगा, राइट, एंड O, राइट। ये हमने क्या लिखा, H2O। ओके, देन वी हैव सुपर स्क्रिप्ट टैग, और यू कैन से सब, जो हमारा ये है ये क्या है, सब सब, और ये क्या है, स अप सब। ओके, और यू कैन से सुपर स्क्रिप्ट, राइट। अब इस टैग से क्या होता है, इससे क्या बनता है, द सब टैग डिस्प्लेज द एनक्लोज टेक्स्ट एज अ सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट बना देता है। सब क्या बनाता है, सबस्क्रिप्ट बनाता है, मतलब जो भी आप टेक्स्ट या नंबर इसमें एनक्लोज करोगे, वो जो आपके
उससे पहले जो टेक्स्ट होगा, राइट, जो भी अल्फाबेट नंबर होगा उसका क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, उसकी बेसलाइन पे आ जाएगा, उसके बॉटम पे आ जाएगा, उसका फॉन्ट भी स्मॉल हो जाएगा। एंड सब क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बना देता है, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट अपीयर स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द प्रीसीडिंग टेक्स्ट एंड इन अ स्मॉलर फॉन्ट, ठीक है। जो सबस्क्रिप्ट, सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, जो उससे पहले का टेक्स्ट होता है, उससे प्रीसीडिंग टेक्स्ट होता है, उसके टॉप पे चला जाता है और इसका भी फॉन्ट क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो हम इसको एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। जैसे हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है मैथ्स, मैथ्स का हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने पहले लिखा एक्स, ओके, देन सब हमें एक्स स्क्वायर लिखना है ना, टू को पावर बनानी है एक्स की, तो उसको हमने सब टेक के अंदर एनक्लोज कर दिया, फाइन। प्लस वाई, ओके, एंड वाई की पावर भी हमें टू चाहिए, तो हमने अगेन सब टैग का यूज किया एंड देन टू को इसमें एनक्लोज किया सब, ओके, राइट। अब यहाँ पे बी आर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कितने यहाँ पे स्टाइल टैग्स किए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, ओके, स्ट्राइक थ्रू एंड आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, राइट। अब आप अपनी फाइल को सेव करोगे, सिंपली डेस्कटॉप हमने सेव कर लिया है, हमने किया स्टाइल डॉट एस टी एम एल, एस टी एम एल एक्सटेंशन जरूर लगानी होती है, डॉट एंड देन सेव, फाइन। ये हमारा स्टाइल आ गया, ओपन विद, इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन कर लेते हैं, फाइन। अब देखो आप इसका रिजल्ट देखो, सबसे पहले आपका बोल्ड टेक्स्ट था तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया है, ओके। देन आपका इटैलिक था तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया है। देन आपका अंडरलाइन था, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया है, फाइन। देन आपका बिग टेक्स्ट था तो देखो उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, ओके। और जो स्मॉल है उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है। देन स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक आपने टैग यूज किया तो क्या हो रहा है, सेंटर से, टेक्स्ट के सेंटर से एक लाइन जा रही है। देन आपने सबस्क्रिप्ट की हेल्प से क्या लिखा, H2O, H2O आ गया आपका, ओके। देन आपने सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से क्या लिखा, हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल डू एस्टीमेल लिस्ट। बेसिकली देर आर थ्री काइंड्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, बट वी विल डू नेस्टेड लिस्ट ऑल्सो, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे लिस्ट बनाते हैं हम एस्टीमेल में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, लाइक नंबर्स में या अल्फाबेट में, राइट। तो अब यहाँ पे हम एस्टीमेल ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एस्टीमेल टैग, देन टाइटल, ओके, इन टाइटल यू विल गिव हेड फॉर हेडिंग, राइट। हेडिंग यू कैन गिव एस्टीमेल लिस्ट ट्यूटोरियल, ओके, देन हेड क्लोज एंड देन टाइटल क्लोज, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द बॉडी, यहाँ पे हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑर्डर लिस्ट, राइट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट एक ऑर्डर में लिस्ट को क्रिएट करती है, नंबर्स में या लेटर्स में, ओके। इसके लिए हम ओ एल टैग का यूज करते हैं स्टार्टिंग में। ओ एल, ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ओके। और ये क्या है, कंटेनर टैग है, तो इसका स्टार्टिंग टैग भी लगेगा और एंडिंग टैग भी लगेगा, क्लोजिंग टैग भी लगेगा, ओके। ओ एल, वी हैव स्टार्टेड विद द ओ एल, देन लिस्ट आइटम, ओ एल ऑर्डर लिस्ट, देन आपका है लिस्ट आइटम, फाइन। लिस्ट आइटम में जो भी आपको लिस्ट आइटम देने हो वो आप दे सकते हो, लाइक यहाँ पे सिंपल मैंने दे दिया फ्रूट नेम एप्पल्स, देन आपका आ गया बनानास, ओके। और यहाँ पे आपने फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी, अब इसमें ओएल के साथ दो एटीब्यूट्स यूज करते हो आप, ठीक है, टाइप एटीब्यूट और स्टार्ट एटीब्यूट। अगर आप कोई भी एटीब्यूट यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट जो आती है ओएल लिस्ट वो किस में आती है, नंबर्स में आती है, 1 2 3 में आती है, राइट। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं,
अपनी H3 हेडिंग आप दे दो। नंबर्ड लिस्ट, ऐसे राइट। ओके अब मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेती हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट आई गिव, यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट हम देंगे टाइप। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में हमने कुछ भी नहीं दिया था टाइप एट्रीब्यूट, अगर आप देना भी चाहे तो आप टाइप इक्वल टू वन दे सकते हो, उसमें भी नंबर लिस्ट आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना टाइप इक्वल टू वन, जैसे मैं यहाँ पे भी नीचे भी वन करके दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं देते हो, टाइप एट्रीब्यूट नहीं देते हो बाय डिफॉल्ट, तब भी वो वन से स्टार्ट होगा। और अगर आप देना चाहते हो तो आप टाइप एट्रीब्यूट में वन वैल्यू दे सकते हो। फाइन, अब नेक्स्ट हम देंगे। अच्छा फिर नंबर लिस्ट का इधर ही हम हेडिंग दे देते हैं नंबर लिस्ट, इसके नीचे भी हम दे देते हैं नंबर लिस्ट, राइट। ओके अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपर केस अल्फाबेट्स में, अपर केस लेटर्स में। तो उसके लिए आप दोगे टाइप एट्रीब्यूट कैपिटल ए, राइट, कैपिटल ए, और हेडिंग आप दोगे H3, ओके H3 में आप दे दो लेटर, लेटर लिस्ट, ओके H3, ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा आपका, कैपिटल लेटर में लिस्ट आ जाएगी आपकी, राइट। नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट, हम चाहते हैं स्मॉल लेटर्स में आए, लोअर केस लेटर्स में आए, तो आप उसके लिए क्या लोगे, आप उसके लिए लोगे इस ऊपर आप लिख सकते हो अपर केस, अपर केस, ओके लेटर लिस्ट, ओके एंड हियर यू कैन राइट लोअर केस लेटर लिस्ट, लेटर्स ले लो या लेटर ले लो, कुछ भी आप हेडिंग ले सकते हो, लेटर्स लिस्ट, ओके सॉरी H3, फाइन। तो हमने क्या किया, पहले हमने बनाई अपर केस लेटर में, तो अपर केस के लिए टाइप क्या दिया है कैपिटल ए, ओके। और अब लोअर केस में बनानी है, लोअर केस लेटर के लिए आपको बनानी है, तो आप टाइप क्या दोगे, आप टाइप दोगे स्मॉल ए, ओके आपको देना है टाइप स्मॉल ए, फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिस्ट चाहिए आपको अपर केस रोमन नंबर्स में, ठीक है, रोमन नंबर्स में, अपर केस में, अपर केस रोमन, वैसे लोअर केस में भी एचटी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है, ओके। अब हमें टाइप क्या चाहिए, अपर केस रोमन नंबर के लिए आप टाइप करोगे कैपिटल आई, ओके कैपिटल आई। देन नेक्स्ट वी हैव H3 लोअर केस रोमन नंबर्स, H3 ओके। अब लोअर केस रोमन नंबर के लिए आप टाइप एट्रीब्यूट में क्या दोगे, स्मॉल आई, ठीक है, लोअर आई, फाइन। यहां पे हमने कर दिया बॉडी को
और देन HTML को क्लोज। ओके, अभी इसको देखते हैं। अभी हमने सिर्फ इसका एक एट्रीब्यूट किया है, टाइप एट्रीब्यूट। ओ एल लिस्ट बनाइए, यहाँ पे ओ एल में बनाइए। सबसे पहले आपने किया ओ एल, सिंपल लिया, कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं लिया, तो बाय डिफॉल्ट ही 1 2 3 से स्टार्ट होगी, ठीक है, नंबर से। फिर हमने मैंने ये शो करने के लिए कि आप टाइप इक्वल टू 1 भी दे सकते हो तो भी आपकी नंबर्स में आएगी। ओके, फिर आपने क्या किया, अपर केस लेटर में आपको लिस्ट चाहिए तो आपने टाइप एट्रीब्यूट कैपिटल ए दिया है, फाइन। देन आपको लोअर केस लेटर में लिस्ट चाहिए तो आपने टाइप एट्रीब्यूट स्मॉल ए दिया है। ओके, देन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल रोमन नंबर्स में, अपर केस रोमन नंबर्स में, तो आप टाइप एट्रीब्यूट दोगे कैपिटल आई, फाइन। फिर आपको चाहिए लोअर केस में, लोअर केस रोमन नंबर्स में, तो आप दोगे स्मॉल आई। ओके, तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, पहले इसको सेव करेंगे, लिस्ट डॉट एच टी एम एल कर देते हैं, लिस्ट डॉट एच टी एम एल सेव, फाइन। ये हमारा आ गया लिस्ट डॉट एच टी एम एल, इसको हम कर देते हैं ओपन विद, कोई भी ब्राउजर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी नंबर लिस्ट आई 1 2 3, विजिबल 1 2 3 में आ रखा है, ठीक है। सेकंड आपने टाइप एट्रीब्यूट दिया था, इसको हम थोड़ा स्मॉल करके ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी ले लेते हैं जिससे पता चलता रहेगा, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमने ओएल में कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, नंबर्स में आ रही है लिस्ट। ओके, एप्पल बनाना मैंगो, राइट। सेकंड में आपने हेडिंग दिए नंबर लिस्ट और टाइप एट्रीब्यूट दिया 1, उसमें भी आपकी किस में आ रही है, नंबर्स में आ रही है। यू कैन सी यहाँ पे जो आपकी ये लिस्ट है वो नंबर्स में आ रही है, फाइन। ओके, देन आपने एट्रीब्यूट दिया है, टाइप एट्रीब्यूट दिया यहाँ पे ए, कैपिटल ए, और हेडिंग दी है अपर केस लेटर लिस्ट। तो यहाँ पे अपर केस लेटर लिस्ट, और आप देख सकते हो लिस्ट आई हुई है कैपिटल्स में, ए बी सी, राइट। ओके, देन आपने क्या दिया, टाइप एट्रीब्यूट स्मॉल ए, तो आपकी लिस्ट क्या आई है, लोअर केस में आई है, लोअर केस लेटर लिस्ट स्मॉल में आई है, ए बी सी, एप्पल बनानास एंड मैंगो, फाइन। फिर आपने दिया है अपर केस रोमन नंबर्स, टाइप एट्रीब्यूट दिया कैपिटल आई, तो आपका यहाँ पे देखो अपर केस में आया हुआ है, दिस इज योर अपर केस रोमन नंबर, एप्पल्स बनानास मैंगोस, राइट। इसमें कैपिटल में आपके रोमन नंबर्स आए हुए हैं। ओके, देन आपने क्या किया है, टाइप में एट्रीब्यूट दिया है, टाइप एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू दी है स्मॉल आई, तो जो आपका लिस्ट आई है वो क्या है, लोअर केस रोमन नंबर्स में आई है, एप्पल बनानास मैंगो, यू कैन सी हियर, फाइन। तो ये हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट किया है ओ एल लिस्ट का टाइप। अब हम दूसरा एट्रीब्यूट करेंगे स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज होता है कि आपके लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो। ओके, मतलब अभी हमने क्या, वो जो किया लेटर्स में वो ए से स्टार्ट हो रहा है, नंबर्स में वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, रोमन नंबर्स में भी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। लेकिन अगर आप स्टार्ट एट्रीब्यूट देते हो तो वो उस पर्टिकुलर लेटर्स या उस पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होता है, फाइन। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें आप दे दो स्टार्ट 4, स्टार्ट एट्रीब्यूट में आपने 4 दे दिया, 4 ये कहाँ से स्टार्ट हो, नंबर 4 से स्टार्ट हो, फाइन। इसको हम देते हैं, इसके अंदर हम देते हैं स्टार्ट नंबर 10, नंबर 10 से स्टार्ट हो। आप कोट्स के साथ भी नंबर दे सकते हो और विदाउट कोट्स भी दे सकते हो, ऐसा जिसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर में कोट्स की जरूरत नहीं होती है, आप विदाउट कोट्स भी दे सकते हो। टाइप में आप दोगे कोट्स के अंदर, बट स्टार्ट में आप विदाउट कोट्स भी दे सकते हो, राइट, ठीक। ओके, इसको मैंने कर दिया स्टार्ट 10, अब इसको भी मैंने कर दिया स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया 2, 2, तो ए बी, ये बी से स्टार्ट होगा आई थिंक, है ना। और इसमें हम दे देते हैं स्टार्ट, स्टार्ट हमने कर दिया 4 आई थिंक, ए बी सी डी, बी से स्टार्ट होगा ये। ओके, देन यहाँ पे भी आप कर दो स्टार्ट एट्रीब्यूट, स्टार्ट आप दे दो नंबर 4, एंड हियर ऑल्सो स्टार्ट नंबर 5,
ओके, इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पर, फाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दिया है। नाउ वी विल सी द रिजल्ट, रिजल्ट देखते हैं भाई। अब देखो जो सबसे पहली लिस्ट है वो आपकी नंबर 4 से स्टार्ट, एट्रीब्यूट क्या है नंबर 4, यू कैन सी हियर। तो आपका कहाँ से स्टार्ट हुई है, नंबर 4 से स्टार्ट हुई है आपकी फर्स्ट लिस्ट, नंबर 4 से। ओके, देन सेकंड लिस्ट आपने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट 10। ओके, अब यहाँ पे देखो आपकी ये जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 10 से स्टार्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने एटीट्यूड दिया था, टाइप था आपका ए और स्टार्ट क्या था, 2। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ए बी, सेकंड नंबर पे बी आता है, तो ये लिस्ट आपकी बी से स्टार्ट हुई है, फाइन। स्मॉल लेटर्स में आपने स्टार्ट दिया था 4, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्मॉल लेटर वाली डी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि 1 2 3 4, ए बी सी डी, डी डी आता है फोर्थ नंबर पे, तो ये डी से स्टार्ट हुई है। ओके, देन आपने रोमन नंबर्स में कैपिटल में दिया था 4, तो रोमन नंबर्स में देखो ये 4 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, नंबर 4 से स्टार्ट हुई है। एंड लोअर केस रोमन नंबर में दिया था आपने 5, तो आपकी लिस्ट किससे हुई है, नंबर 5 से स्टार्ट हुई है, लोअर केस रोमन नंबर, फाइन। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कर लिए, वी हैव डन बोथ द एट्रीब्यूट, दोनों एट्रीब्यूट्स कर लिए हैं, ओएल लिस्ट के, ओएल टैग के, टाइप एट्रीब्यूट एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। ओके, ओके, नाउ अब हम करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, राइट। अनऑर्डर लिस्ट करते हैं हम, यूएल, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। ओके, नाउ इसमें हम लेंगे लिस्ट आइटम, अगेन हम ले लेते हैं एप्पल, यहाँ पे एल आई, वैसे दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, आप किसी भी केस में ले सकते हो, एंड यूएल, फाइन। अभी हमने सिंपल लिया है, यूएल टैग लिया है, उसमें लिस्ट आइटम्स लिए हैं, एंड यूएल को क्लोज कर दिया, फाइन। बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं लेते हो तो ये किस फॉर्म में आती है, ये डिस्क फॉर्म में आती है, ठीक है, डिस्क फॉर्म में आएगी, आपके सॉलिड सर्कल फॉर्म में आएगी, फाइन। तो अभी हम इसको करेंगे, कंट्रोल बी। अब मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट दे रही हूँ, अनऑर्डर लिस्ट का एक ही एट्रीब्यूट है, एंड दैट इज टाइप एट्रीब्यूट। ओके, डिस्क, डिस्क दे दिया, देन कंट्रोल बी आपने ये दे दिया स्क्वायर, डिस्क स्क्वायर, आप इसके जो टाइप की जो वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज होती है, डिस्क स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, एंड सर्कल, सर्कल, फाइन। तो आप हेडिंग दे सकते हो, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, S3 में ही हेडिंग दे देते हैं, क्या दोगे, बुलेटेड लिस्ट दे देते हैं। ओके, हम देते हैं बुलेटेड लिस्ट, S3, ठीक है, बुलेटेड लिस्ट ले लिया, और इसके आगे आप दे दो डिस्क लिस्ट, चलो रहने दो, इतना हमें दे दिए, अब इसको देखते हैं, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट हमने कर लिया है, हमने क्या किया है, जो फर्स्ट हमारा यूएल है उसमें कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया है, तो ओपन विद गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में इसको ओपन करते हैं,
ओके अब देखो इसको हमने क्रोम में ओपन किया है तो ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बुलेट्स को एंड सर्कल एंड इसको भी। अब देखो फर्स्ट जो हमने यूएल दिया था इसमें कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देते हो यूएल के साथ तो क्या होता है, जो आपकी लिस्ट आती है वो डिस्क फॉर्म में आती है, मीन सॉलिड सर्कल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो सॉलिड सर्कल में आपकी लिस्ट आई हुई है, फाइन। सेकंड में आपने टाइप डिस्क दिया हुआ है, अगेन वो क्या आया, डिस्क फॉर्म में आया, दैट मीन सॉलिड सर्कल फॉर्म में आया है। देन आपने टाइप दिया स्क्वायर, तो आपका देखो यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में जो आपकी लिस्ट आई है स्क्वायर में आई है, फाइन। देन आपने दिया है सर्कल एट्रीब्यूट, ठीक है, मतलब टाइप की जो वैल्यू दी है वो सर्कल दिया है, नॉट सर्कल एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्कल दी है, तो आपकी जो लिस्ट आई है वो किस में आई है, सॉलिड सर्कल फॉर्म में, फाइन। तो यहाँ पे यूएल क्या, यूएल का एक ही एट्रीब्यूट होता है, दैट इज टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट की थ्री वैल्यूज होती है, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल, फाइन। ओके नाउ वी हैव डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या करते हो आप, डेफिनेशंस बनाते हो, ठीक है। तो इसकी टैग्स क्या है, सबसे पहले आप दोगे डीएल, डेफिनेशन लिस्ट, फाइन। सबसे पहले आपने दिया डीएल, उसके अंदर आप दोगे डीटी, डेफिनेशन टर्म, मतलब किस टर्म की आपको डेफिनेशन देनी है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन टर्म ले लेते हैं, इंटरनेट ले लेती हूँ, मैं खुद ही लिख देती हूँ इंटरनेट, तो ठीक है, मैंने डेफिनेशन टर्म दे दी है इंटरनेट, इंटरनेट, ओके। अब डीटी को आप क्या क्लोज कर दोगे, डीटी इज अ कंटेनर टैग, तो आपने इसको क्लोज कर दिया, फाइन। देन आपने क्या दिया, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो टर्म ऊपर लिया है उसकी डिस्क्रिप्शन, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से ले लेते हैं इंटरनेट की। फाइन इसको हमने ले लिया, ओके। और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपने क्या कर दिया, डीडी को क्लोज कर दिया, राइट। देन आपने किसको क्लोज कर दिया, डीएल को क्लोज कर दिया, फाइन। यहाँ पे आपने एक डेफिनेशन लिस्ट बना दी, ओके। आप इसके अंदर एक और ले सकते हो, जैसे मैंने एक टर्म और ले ली, एक आपने टर्म और ले ली है डीटी, इसके अंदर आप एक टर्म और ले लो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ले लिया, डीटी, आप प्रोटोकॉल की डेफिनेशन दोगे आप डीडी के अंदर, फाइन। तो हम इसमें से ले लेते हैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन, ओके, और आपने इसको दे दिया डेफिनेशन दे दिए, फाइन। एंड देन आप डीटी को क्लोज कर दो, ओके। तो हमने डीएल से स्टार्ट किया, उसके अंदर डीटी के अंदर एक टर्म दी और उसकी डेफिनेशन दी, अगेन हमने एक और टर्म ली डीटी के अंदर उसकी डेफिनेशन दी, और फिर हमने डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, फाइन। अब देखेंगे इसका रिजल्ट, तो यहाँ पे देखो इंटरनेट टर्म, देन उसकी डेफिनेशन, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक दिस, एंड देन प्रोटोकॉल टर्म, एंड देन उसकी डेफिनेशन, फाइन। जो आपने यहाँ पे दिया था डीएल के अंदर डीटी, पहले इंटरनेट और उसकी डेफिनेशन, देन प्रोटोकॉल एंड उसकी डेफिनेशन, सेम वे वी हैव गॉट द रिजल्ट, ठीक है। डेफिनेशन पहले टर्म आई है इंटरनेट, एंड देन उसकी डेफिनेशन, एंड देन प्रोटोकॉल, फिर उसकी डेफिनेशन, तो ये क्या है, हमारी डेफिनेशन लिस्ट है, ओके। नाउ वी विल डू नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, व्हेन वन टाइप ऑफ लिस्ट इज गिवन इनसाइड और एम्बेडेड इनसाइड अनदर टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। मतलब जब एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर यूज किया जाता है, दूसरे लिस्ट के अंदर रखा जाता है, तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे नेस्टेड लिस्ट बनाओगे आप। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ओएल लिया, ओएल टाइप ले लो इसका, ओएल का टाइप ले लिया आपने कैपिटल ए, फाइन, कैपिटल ए ले लिया है। नाउ आपका लिस्ट आइटम हो गया अ फ्यू, इनपुट डिवाइसेस आर, हमने कुछ इनपुट डिवाइस ले लिए हैं, ठीक है, इसका हमने एल आई लिया है, ठीक है, अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर,
इसके अंदर आप यूएल में ले लो, यूएल में आपने टाइप ले लिया सर्कल, तो क्या आएगा, एम्प्टी सर्कल आएंगे, सर्कल ले लिया आपने टाइप उसका, ठीक है। और इसमें आप ले लो एल आई कीबोर्ड, एल आई स्टैंड फॉर द लिस्ट आइटम, देन आपने यूएल को क्लोज कर दिया, फाइन। अब हमने ओएल का ही एलआई लिया क्योंकि हमने यूएल, देखो ये हमने ओएल स्टार्ट किया था एआईटी टाइप के साथ, उसका एक लिस्ट आइटम लिया, ठीक है। फिर हमने इसके बाद यूएल को स्टार्ट किया और यहाँ पे यूएल को क्लोज कर दिया है। अब जो एलआई आया है ये ऊपर वाले ओएल का लिस्ट आइटम है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का। तो हम इसमें लिखेंगे ए क्यू आउटपुट, डिवाइसेस आर, अब अगेन इसके अंदर हम यूएल स्टार्ट करते हैं, यूएल का टाइप दे देते हैं इस पर स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया हमने इसको, ठीक है। और इसमें एल आई आप स्टार्ट करो, लिस्ट आइटम मॉनिटर प्रिंटर, प्रिंटर देन स्पीकर, स्पीकर देन आप दे दो प्लॉटर्स, प्लॉटर्स हो गया, देन आपका यहाँ पे क्लोज हो गया यूएल, एंड देन आप क्लोज कर दो ओएल, राइट। बॉडी इज ऑलरेडी क्लोज्ड, फाइन। नाउ हियर वी हैव गॉट अ नेस्टेड लिस्ट, ये हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट आ गई है जिसकी हेडिंग में क्या है, ए अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस, और आप देखो यहाँ पे सर्कल, देखो सबसे पहले आप देखो ओएल टाइप क्या है, ए कैपिटल ए, फाइन। तो आपका यहाँ पे क्या आया, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए से लिस्ट स्टार्ट हुई है। तो लिस्ट आइटम आपने क्या दिया था, अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर, तो अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर आ गया है। फिर उसके अंदर आपने यूएल को स्टार्ट किया और टाइप क्या दिया, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के अंदर अब आपकी लिस्ट आ रही है कीबोर्ड माउस स्कैनर वेबकैम, और फिर आपने यूएल को क्लोज कर दिया, यूएल आपकी क्लोज हो गई। अगेन आपने क्या किया, एल आई दिया, एल आई अब किसका पार्ट है, जो ऊपर वाला ओ एल स्टार्ट है उसका ही पार्ट है एल आई, क्योंकि हमने ओ एल को कहीं पर भी क्लोज नहीं किया है। तो ये किस में आएगा, बी में आएगा, ठीक है। फर्स्ट जो इसका एल आई आइटम आया था वो ए में आया था, अब सेकंड क्या आएगा, बी में आएगा। अ फ्यू आउटपुट डिवाइसेस आर, फिर हमने इसके अंदर क्या दिया, अगेन यूएल दिया है और टाइप क्या दिया, स्क्वायर। तो आप देखो ये स्क्वायर में आई हुई आपकी मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर प्लॉटर्स, ओके। यहाँ पे आपने यूएल को क्लोज कर दिया एंड देन फाइनली आपने ओएल को क्लोज कर दिया। तो ये हमारी क्या है, नेस्टेड लिस्ट, जिसके अंदर देखो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को दिया हुआ है, फाइन। तो दिस इज वेरी सिंपल, आप इजिली जहां आप अपने थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ पे आपको बुलेट्स यूज करने हैं, कहाँ पे आपको नंबर्स यूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ओएल और यूएल की स्टार्टिंग और एंडिंग करो। Okay, fine. So here we have covered all the HTML list, ordered list, unordered list, definition list, and nested list. Okay. Here we are going to start with HTML. आप वेब पेज में कैसे इमेज को इंसर्ट करोगे, इसमें हम दे देते हैं हेड, देन योर टाइटल, टाइटल में आप दे दो इमेज ट्यूटोरियल, फाइन, टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज। देन वी हैव बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर आपने दिया आईएमजी, आईएमजी स्टैंड फॉर इमेज, एसआरसी, एसआरसी क्या है, आईएमजी टैग का एट्रीब्यूट है, एसआरसी स्टैंड फॉर सोर्स ऑफ द इमेज, और यू कैन से यूआरएल ऑफ द इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज का सोर्स देंगे, तो कोई भी इमेज आप ले लो,
उसको आप क्या करो, ओपन विद ब्राउजर में कर लो, कोई भी ब्राउजर में आप इसको ओपन कर लो। जैसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने इसको ओपन किया, उसके एड्रेस बार से इसको कॉपी कर लो, इसका यूआरएल कॉपी कर लो। ओके, मैंने इसका एड्रेस बार से यूआरएल कॉपी कर लिया, फाइन। अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया, फाइन। अब हमने क्या कर दिया, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ऑल्ट क्या होता है, अगर आप कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी प्लेस पे जो भी टेक्स्ट आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट में दिया है वो डिस्प्ले हो जाएगा, फाइन। और अगर इमेज आ रही है तो ऑल्ट एज अ टूल टिप वर्क करेगा, जब आप अपने कर्सर को वहां ले जाओगे तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, इमेज, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, दे दिया, फाइन। ओके, बॉडी क्लोज एंड देन योर HTML क्लोज, फाइन। अब हमने इसका सेव करेंगे, सेव किया कंट्रोल एस, आपने दे दिया इमेज ट्यूटोरियल डॉट HTML, फाइन, ये आपने सेव कर दिया इसको। ओके, अब इमेज ट्यूटोरियल हमने इसको किया ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपकी इमेज आ गई है, फाइन, दिस इज योर इमेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अब इसके दूसरे एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल गिव द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग। हाइट, अब हाइट और विड्थ आप नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ वेब पेज, मतलब परसेंटेज ऑफ विंडोज हाइट एंड विथ, ठीक है। तो विंडो की हाइट एंड विथ क्या होती है, 100 100% होती है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो या फिर आप नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो। जैसे मैंने हाइट दे दी, अभी नंबर ऑफ पिक्सल्स में दिखाती हूँ, 400 हाइट दे दी पिक्सल्स, एंड विथ, विथ भी मैंने क्या दे दिया, 400 पिक्सल्स में, ठीक है। हाइट एंड विथ मैंने ऐसे दे दिया, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, यू कैन सी ये हमारा ट्यूटोरियल है, फाइन, जो हमने पहले ओपन किया था उस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो, देखो उसकी साइज इंक्रीज हो गया है। ओके, नाउ अगर आपको क्या देना है, परसेंटेज में देना है, तो मैंने क्या कर दिया, 25% ऑफ विंडोज हाइट, यहाँ पे दे दो 25% ऑफ विंडोज हाइट एंड 25% ऑफ विंडोज विड्थ, ठीक है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। नाउ रिफ्रेश, देखो स्मॉल हो गई है इमेज, आपकी बहुत स्मॉल हो गई है, फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 400 400 ही कर देते, ओके। नाउ वी हैव द अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इमेज को अलाइन कर सकते हो वेब पेज पे किसी भी पोजीशन पे। तो इसके हमारे पास सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इमेज कहाँ अलाइन होती है, हमेशा लेफ्ट में अलाइन होती है, यू कैन सी, इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमेशा आपकी जो होती है वो, अभी मैंने इसको एक्चुअली सेव नहीं किया था, तो अभी इसने 400 पिक्सल लिया नहीं, अभी अलाइन के बाद में इसको सेव करूंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में अलाइन होती है, तो हम यहाँ पे देते हैं राइट राइट, यू कैन सी, रिफ्रेश, देखो साइज वो भी ले लिया, राइट में आ गई है। ओके, अब देखो यहाँ पे आप अलाइन का जो वैल्यू है वो सेंटर दोगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ओके, तो देखो मैंने इसको सेंटर दिया और मैं आपको शो करूंगी, रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, सेंटर में नहीं आई है इमेज, अपनी डिफॉल्ट पोजिशन वो क्या होती है, लेफ्ट, ओके, डेट इज लेफ्ट, वहां चली गई है। तो अगर आपको इमेज को सेंटर में करना है तो अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू एज अ सेंटर आप नहीं लोगे, ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ यू विल अलाइन योर इमेज इन द सेंटर, तो उसका आंसर होगा बाय यूजिंग द सेंटर टैग, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, अपनी इमेज को सेंटर में करना है, तो आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा, उस सेंटर क्या है, कंटेनर टैग है, यहाँ पे आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा, फाइन। देखो सेंटर, ओके, नाउ रिफ्रेश, अब आ गए सेंटर में, ओके, समझ आया। अगर इमेज को अगर आप लैंग के साथ सेंटर यूज करोगे तो कभी भी सेंटर में नहीं आएगी, इसके लिए आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा इमेज को सेंटर में अलाइन करने के लिए, और ये क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली, ठीक है।
अब अगर हमारी इमेज के साथ टेक्स्ट भी है तो हम टेक्स्ट को कैसे अलाइन करेंगे इमेज के साथ। तो कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं पहले, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लेते। ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट कहाँ आए, इमेज के बॉटम पे आए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलाइन के साथ आप वैल्यू यूज करोगे बॉटम। तो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, इमेज के बॉटम से स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां पे इमेज का बॉटम होगा वहीं से टेक्स्ट की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। रिफ्रेश करो। अब देखो ये जो टेक्स्ट है ये अभी तो एक लाइन का टेक्स्ट है, अगर ये पैराग्राफ होता है या वन पेज टू पेजेस होते तो क्या होते, ये इमेज के बॉटम से स्टार्ट होता हो रहा है, ठीक है। इमेज के बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, देन हमने इसका एट्रीब्यूट लिया मिडल। तो हमारा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, इमेज के मिडल से स्टार्ट होगा, ठीक है। नो सी, रिफ्रेश करो। टेक्स्ट जो आपका है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमेज के मिड पार्ट से, मिडल से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। देन यू हैव अलाइन टॉप, आपको टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, इमेज के टॉप से करना है, ठीक है। तो इमेज के टेक्स्ट से आपका, इमेज के टॉप से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। रिफ्रेश। तो टेक्स्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमेज के टॉप से स्टार्ट होगा, फाइन। ओके ओके, अभी हमारा एक एट्रीब्यूट और रह गया यहाँ पे, बॉर्डर, ठीक है। आप बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से इमेज का क्या दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल्स का बॉर्डर, फाइन, 20 पिक्सल्स का बॉर्डर दे दिया है। नाउ हियर यू कैन से सी क्या आ गया, पिक्चर का बॉर्डर आ गया है, फाइन। तो यहाँ पे अब हमारे सारे एट्रीब्यूट कवर हो गए, SRC एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, हाइट एंड विड्थ, अलाइन एंड बॉर्डर ऑफ द इमेज। वी विल स्टार्ट विथ बॉडी, बॉडी टैग को स्टार्ट किया, राइट। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सिंपल टेबल बनाएंगे, टेबल बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट देना बहुत जरूरी होता है, अगर आप बॉर्डर नहीं दोगे तो टेबल क्या आएगी, विदाउट बॉर्डर आएगी, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट दोगे, ओके। और इसका जो आप बॉर्डर देते हो आप स्पेसिफाई करते हो कि कितना बॉर्डर हो, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स में। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, ओके। तो यहाँ पे कितने पिक्सल्स का बॉर्डर मैं दे रही हूँ, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर दे रही हूँ, फाइन। नाउ नाउ वी हैव कैप्शन। कैप्शन किसके लिए यूज होता है, कैप्शन यूज होता है टेबल को कैप्शन देने के लिए, मींस हेडिंग देने के लिए। और इसका एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट, फाइन। अलाइन एट्रीब्यूट से आप क्या करोगे, कैप्शन को अलाइन करोगे, ओके। तो इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, टॉप एंड बॉटम, राइट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो कैप्शन क्या है, कैप्शन जो टैग है वो हम यूज करते हैं टेबल को हेडिंग देने के लिए। और कैप्शन का एक ही एट्रीब्यूट होता है, वो क्या है, अलाइन एट्रीब्यूट। और अलाइन एट्रीब्यूट की 2 वैल्यूज होती हैं, टॉप और बॉटम। मतलब आप कैप्शन को या तो टेबल के टॉप पर अलाइन करोगे या टेबल के बॉटम पे अलाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टॉप दे दिया मैंने, फाइन, कैप्शन। और आप यहाँ पे कैप्शन दे सकते हो डेमो टेबल, कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया डेमो टेबल, फाइन। एंड देन कैप्शन, ओके, राइट। अब हम कौन सा टैग लगाएंगे, TR टैग, राइट। TR टैग क्या होता है, TR टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल रो, टेबल की रो क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं, TR टैग, ओके। अब हम इसके अंदर करेंगे TH, हमने टेबल की रो स्टार्ट कर दी, फर्स्ट रो के अंदर हमने TH ली। और TH क्या होता है, इट इज यूज टू गिव कॉलम हेडिंग इन द टेबल, कॉलम्स की हेडिंग देने के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप हेडिंग्स ले लो, नेम, टेबल,
ph, देन आप ले लो क्लास, और सेक्शन हम यहाँ पे थ्री ऑप्शंस ले लेते हैं, थ्री कॉलम्स ले लेते हैं। ये क्या है, टीएस से आप क्या दे रहे हो, टेबल कॉलम की हेडिंग्स दे रहे हो। तो फर्स्ट रो में हमने तीन हेडिंग्स ले ली हैं और ये रो क्लोज कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रो आप स्टार्ट करो टीआर से, ओके। इसके अंदर आप क्या दोगे, टीडी td टैग दोगे, ठीक है। td टैग इज यूज टू क्रिएट द सेल दैट स्टोर डेटा। अब td से आप क्या करते हो, सेल क्रिएट करते हो जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। पहले आपने ts से टेबल हेडिंग्स दी है, कॉलम्स की हेडिंग्स दी है, अब td से आप क्या करोगे, डेटा दोगे, राइट। अब यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है। टीडी में आपने दे दिया क्लास 10, देन सेक्शन बी, एंड देन टीआर क्लोज, ओके। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेक्शन ए, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो रोज बना ली हैं। अब क्या करेंगे, टेबल को क्लोज कर देंगे, देन आप बॉडी को क्लोज कर दोगे, एंड देन एसपीएमएल, ओके। तो अभी हमने क्या किया, एक सिंपल टेबल बनाई है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, इसका नाम दे देते हैं डेमो टेबल, फाइन। सेव किया, डेमो टेबल हमने सेव करते टाइम डॉट एचटीएमएल तो लगाया नहीं, तो एज अ टेक्स्ट टेबल क्या हो गई है, टेक्स्ट टेबल आ गई है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट फाइल बन गई है। तो हमें क्या करना था, इसमें डॉट एस टी एम एल लगाना है। हमेशा ये आपको रिमेम्बर रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि डॉट एस टी एम एल जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फाइल बन गई थी, सिंपल। अब एस टी एम एल फाइल बनानी है, तो हमने डॉट एस टी एम एल दे दिया, सेव, ओके। डेमो टेबल, ये हमारी डेमो टेबल आ गई है। इसको हम ओपन विथ क्या करेंगे, ब्राउजर कर देते हैं, राइट। थोड़ा क्लास 10 सेक्शन ए, ठीक है। हमने टेबल टैग के साथ दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेबल के बैकग्राउंड में इमेज को डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं यहां से, जैसे एक इमेज है, इसको हम ओपन विद कर लेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो क्या मिल जाएगा, हमें इमेज का यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है, इमेज का एड्रेस मिल जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, फाइन। अब देखो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ से एड्रेस बार से इसका एड्रेस मिल गया है, तो इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, क्लोज, ओके। और अब हम इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, यस, फाइन। अब हमने अब टेबल टैग का एट्रीब्यूट अप्लाई किया है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेबल के बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश, देखो टेबल के बैकग्राउंड में इमेज आ गई है, फाइन, टेबल के बैकग्राउंड में इमेज डिस्प्ले कर रही है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली टेबल का बैकग्राउंड विजिबल नहीं है, तो इसका अब हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं, हाइट, हाइट, ओके, एंड लेंगे विथ, हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट लेंगे हम लोग,
और क्या करेंगे, हाइट एट्रीब्यूट क्या होता है, इट स्पेसिफाइड द हाइट ऑफ द टेबल, इट कैन बी गिवन इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स और परसेंटेज ऑफ विंडोज हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या है, टेबल टेबल की हाइट आपको शो करेगी, और इसको हम किसमें दे सकते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स में दे सकते हैं, या फिर विंडो की परसेंटेज ऑफ विंडो हाइट। जैसे विंडो की हाइट क्या होती है, 100%, तो अगर आपको जैसे मैंने हाइट दे दिया 60%, 20%, या आप पिक्सल्स में दे दो, मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में दे दिया 400 पिक्सल्स विथ इक्वल टू 400 पिक्सल। तो हाइट और विथ आप नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो, या फिर परसेंटेज ऑफ विंडो साइज। ठीक है, तो हाइट जो विंडो की होती है वो 100% होती है, और विथ भी 100% हो सकती है होती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अकॉर्डिंगली कंपेयर दे सकते हो। ओके ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने हाइट दे दिए 400 पिक्सल एंड विथ 400 पिक्सल दे दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखो अब क्लियरली विजिबल है बैकग्राउंड में इमेज। ठीक है, अब हमने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट भी ले लिया टेबल टैग का, और हाइट एंड विथ भी यूज कर लिया। फाइन ओके, अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज नहीं चाहिए, कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे उसके लिए, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो आप, बीजी कलर। ठीक है, तो मैंने बीजी कलर दे दिया पिंक, बीजी कलर एट्रीब्यूट में मैंने दे दिया पिंक। ओके, एंड बॉर्डर कलर, टेबल का बॉर्डर वो भी दे देते हैं, उसमें भी कलर दे देते हैं, बॉर्डर कलर इक्वल दे दिया मैंने रेड। ठीक है, बीजी कलर दे दिया मैंने पिंक, और बॉर्डर कलर दे दिया टेबल का रेड। इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, इमेज चली गई है, पिंक कलर आ गया है, और बॉर्डर कलर आपका क्या आ गया है, रेड। फाइन, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट करेंगे सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट क्या होता है, द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स इन अ टेबल। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से आप जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस दे सकते हो। ठीक है, उनके बीच में आप स्पेस दे सकते हो। इट्स वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, इसको हम नंबर ऑफ पिक्सल्स में देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू इज 2 पिक्सल्स, और जो टेबल्स के बीच में गैप होता है वो 2 पिक्सल्स का होता है। यहाँ पे देखो, हम अभी जो टेबल्स के बीच में गैप है वो कितने पिक्सल्स का है, 2 पिक्सल्स का है। आप इस गैप को इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे कर लिया, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 10 पिक्सल्स। सेल स्पेसिंग मीन सेल्स के बीच की स्पेसिंग। ओके, इसको रिफ्रेश करो, देखो सेल्स के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। फाइन, सेल्स के बीच में जो स्पेसिंग थी वो इंक्रीज हो गई है। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट करेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, ओके, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट क्या होता है, द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन बॉर्डर ऑफ द सेल एंड द कंटेंट इन साइड इट। मतलब जो सेल का जो कंटेंट होता है, इधर देखो मैं इसमें समझाती हूँ, ये जो स्पेस है, ठीक है, नेम बीच में आया हुआ है, और इसके ऊपर का, इधर साइड का, लेफ्ट का, सॉरी लेफ्ट का, राइट का, बॉटम का, जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं सेल। इस स्पेस को हम स्पेसिफाई करते हैं सेल पैडिंग से। जैसे अर्जुन शर्मा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं है, राइट में स्पेस है, और इसका टॉप में इतना स्पेस है और बॉटम में इतना है, तो इस स्पेस को हम किससे स्पेसिफाई करते हैं, सेल पैडिंग से। ओके, तो इट्स वैल्यू इज गिवन द, अगेन इसको हम किस में देते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स में। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और आप इसकी, और आप कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने 20 पिक्सल कर दिया, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया सेल पैडिंग। ठीक है, इसको सेव करेंगे एंड देन रिफ्रेश। अब देखो सेल्स के जो यहाँ पे, ये बिल्कुल पहले अटैच थे, ठीक है, तो अब क्या है, 20 पिक्सल्स का यहाँ पे गैप आ गया है। ठीक है, समझ आया, सेल पैडिंग मीन्स जो स्पेस होता है किसके बीच में, वॉल ऑफ द सेल्स एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल की वॉल के और सेल के कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। फाइन ओके, अब हमारे पास है जो टेबल टैग का एट्रीब्यूट है वो है अलाइन। अलाइन,
अलाइन में आपकी थ्री वैल्यूज होती है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बाय डिफॉल्ट टेबल हमेशा लेफ्ट में अलाइन होती है। यहाँ पे देखो आपकी लेफ्ट में है, ठीक है, और आप इसको राइट में भी कर सकते हो, सेंटर में भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कर दिया सेंटर, सेंटर, ओके। अब आप इसको रिफ्रेश कर दो, सेंटर में आ गई। यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन को मिनिमाइज किया हुआ है, सेंटर में आ गई, फाइन। तो ये आपका अलाइन है। तो अभी हमने क्या किया है, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स किए हैं, फाइन, ओके। अब हम लोग करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ टीआर टैग, टेबल रो जो टैग होता है उसके एट्रीब्यूट्स करेंगे, फाइन। तो सेम यहाँ पे हमने कर दिया, सबसे पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की हेल्प से आप इस पर्टिकुलर रो के अंदर क्या दे सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो, फाइन। इस पर्टिकुलर रो के अंदर आप पिक्चर को यूज कर सकते हो, ओके। तो अगेन ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, पिक्चर का यूएल कॉपी कर दिया, कंट्रोल वी, ओके। नाउ इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अपनी टेबल को। देखो जो फर्स्ट रो थी, ओके, उसके बैकग्राउंड में क्या आ गई, पिक्चर आ गई है। फर्स्ट रो के बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है, किसकी हेल्प से, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की हेल्प से, फाइन। अगर मैं बैकग्राउंड में पिक्चर नहीं चाहती, मैं कुछ कलर देना चाहती हूँ टेबल रो में, फाइन, तो आप यहाँ पे दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया रेड, ओके, रेड दे दिया, रेड कलर दे दिया, फाइन, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। हमने यहाँ पे ये तो चेंज किया नहीं, बैकग्राउंड के अंदर ही रेड कलर दे दिया। इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट करोगे, बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर, ओके। हमने क्या किया, रो के अंदर क्या दिया, बीजी कलर एट्रीब्यूट और रेड कलर दे दिया है, कंट्रोल एस, ओके, फाइन। अब यहाँ पे जाओ और रिफ्रेश करो, तो आपका रो में क्या आ गया है, रेड कलर आ गया, क्योंकि आपने फर्स्ट रो में अप्लाई किया ना, पहले आपने फर्स्ट रो में बैकग्राउंड इमेज दी थी, फिर आपने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर दिया, रेड कलर दे दिया, फाइन, ओके। अब जो है आपका एट्रीब्यूट जो आप यूज करोगे, ठीक है, वो क्या है, अलाइन एट्रीब्यूट रो के अंदर, फाइन। तो हम करेंगे अलाइन। अलाइन का क्या है यूज, इट सेट्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द सेल कंटेंट इन लेफ्ट राइट एंड सेंटर डायरेक्शन इन एंटायर रो, ठीक है। तो ये अलाइन की हेल्प से आप क्या करोगे, जो रो का जो कंटेंट है, डेटा है, जो उस पर्टिकुलर टेबल रो का कंटेंट है, उसको आप लेफ्ट राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैंने दे दिया यहाँ पे राइट, फाइन, तो क्या होगा, ये उसका डेटा राइट में चला जाएगा, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो सेल पैडिंग हम कर चुके हैं ना, तो ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि 20 पिक्सल्स का हमने दे रखा है। अगर हम ये 20 पिक्सल सेल पैडिंग हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट को हम हटा देते हैं, और ऑलरेडी हमने टेबल सेल पैडिंग को हटा दिया है, कंट्रोल एस, क्योंकि वो 20 पिक्सल्स का क्या कर रहा था, ले रहा था और गैप, फाइन। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। देखो सारे के सारे जो था टेबल का कंटेंट कहाँ चला गया, राइट में चला गया। अगर आप सेंटर में करना चाहते हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे टीआर में जो अलाइन एट्रीब्यूट आपने दिया है, उसको आप कर दो सेंटर में, सेंटर में। अब इधर देखो सेंटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने सेल पैडिंग हटा दी। पहले सेल पैडिंग थी तो 20 पिक्सल का वो गैप ले रहा था, फाइन। अब क्या है आपका नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है, वो है वी अलाइन। वी अलाइन से क्या होगा, वी अलाइन इट सेट्स वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द सेल कंटेंट इन टॉप, मिडल और बॉटम। तो क्या होगा, इससे आप वर्टिकली अलाइन कर सकते हो कंटेंट को, टॉप में, बॉटम में या मिडल में, फाइन। अभी हमने सेंटर में किया हुआ है ऑलरेडी अलाइन से, तो हम वी अलाइन से इसको बॉटम में ले जाते हैं, मतलब तो क्या क्या हो जाएगा, सेंटर में रहेगा और कहाँ चला जाएगा, बॉटम में, बॉटम, फाइन। देखो सेंटर में भी है और बॉटम में ही है। अलाइन एट्रीब्यूट से हमने सेंटर में किया, और वी अलाइन से हमने क्या किया, उसको बॉटम में लेके। तो वी अलाइन के तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपना टीआर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कवर कर लिए हैं, बैकग्राउंड, बीजी कलर, अलाइन एंड वी अलाइन, फाइन। अब हम करेंगे टीएच एंड टीडी टैग के एट्रीब्यूट।
ओके नाउ टीडी में आप जो फर्स्ट एट्रीब्यूट करोगे वो है आपका बैकग्राउंड। अगेन अगर आपको सेल के बैकग्राउंड में पिक्चर देनी है, ओके सेल के बैकग्राउंड में अगर आपको पिक्चर देनी है तो आप ऐसे दे सकते हो सेल के बैकग्राउंड में पिक्चर। फाइन, कंट्रोल एफ किया। अब देखो मैंने क्या किया है, जो मेरी फर्स्ट सेल है अर्जुन शर्मा जिसमें लिखा है उसके बैकग्राउंड में मैंने पिक्चर दी है। फाइन, अब हम इसको क्या करते हैं रिफ्रेश। तो देखो फर्स्ट सेल के बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है। ओके, और आप अगर कलर देना चाहते हो बैकग्राउंड में पिक्चर की जगह कलर देना चाहते हो तो आप कौन सा एट्रीब्यूट करोगे, यूज बीजी कलर। तो मैं इसको दे देती हूँ ग्रीन, ग्रीन कलर दे देते हैं इसको, रिफ्रेश, ग्रीन कलर आ गया। ओके नाउ अगेन वी हैव एट्रीब्यूट अलाइन। अलाइन में इसके आप सेल के कंटेंट को क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट या सेंटर में कर सकते हो। तो आप इसको कर लो, इसको हम कर लेते हैं राइट में, या राइट में कर लेते चलो। तो इस पर्टिकुलर सेल के कंटेंट का हुआ क्योंकि मैं टीडी इस पर्टिकुलर में अप्लाई कर रही हूँ ना, टीडी इस वाले में। ओके, तो मैंने इसको दे दिया राइट में। सी, ये जो अर्जुन शर्मा ये राइट में चला जाएगा, राइट में चला गया। ठीक है, वी अलाइन, अब मैंने इस सेल में दे दिया वी अलाइन एट्रीब्यूट, वी अलाइन में दे दी टॉप। तो ये राइट में रहेगा और कहाँ चला जाएगा, टॉप में। फाइन, रिफ्रेश, टॉप में चला गया। फाइन, तो हमने क्या दिया, अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हम अप्लाई करेंगे इस सेल के अंदर, हमारा कहाँ ये वाली सेल है। ओके, तो हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो अप्लाई करेंगे वो है हमारा हाइट एंड विड्थ। हाइट क्या है, इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द डेटा सेल एंड कैन बी गिवन इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। हम अपनी सेल की हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, या तो नंबर ऑफ पिक्सल्स में दोगे या फिर परसेंटेज ऑफ टेबल्स हाइट। तो मैंने हाइट जैसे दे दी इसकी, HEI हाइट दे दी मैंने इसको, कितना दोगे इसको, हाइट आप दे दो 20 पिक्सल्स, एक बार देख के देखते हैं। और विड्थ मैंने इसको दे दी 20 क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द डेटा सेल्स एंड कैन बी गिवन इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। हाइट से इस पर्टिकुलर सेल की हाइट आएगी, डेटा सेल की, और विड्थ से उसकी विड्थ आएगी। ओके, ये मैंने दे दिया 10 पिक्सल्स। अब देखते क्या वो चेंज आएगा। फाइन, रिफ्रेश, तो देखो आप उसके अकॉर्डिंगली पूरी टेबल ही चेंज, ये पूरी रो ही चेंज होगी। ठीक है, एक सेल तो ऐसे चेंज नहीं होगा, तो ये भी पूरा चेंज हो गया है। तो हमने हाइट और विथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। फाइन, अब हमारे पास एट्रीब्यूट आते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, जो कहाँ पे अप्लाई होते हैं, जो किसके एट्रीब्यूट है, टीडी के या टीएच में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। फाइन, तो इसके लिए मैं आपको एक और टेबल बना के। ओके, तो हम इस टेबल के बाद एक टेबल और क्रिएट करते हैं, टेबल टैग लगाते हैं टेबल। फाइन, और टेबल के अंदर आप क्या दोगे, टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर मैंने दे दिया इसका 2 पिक्सल्स। फाइन, देन आपका क्या आ गया, टी आर, लेट अस मेक इट टीआर। अब मैं सेकंड टेबल बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आपको टीडी जो होता है, टीडी और टीएच के दो एट्रीब्यूट समझाने हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है, तो मैं उसको करने के लिए एक अलग टेबल बना के आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया टेबल बॉर्डर 2, उसमें टेबल रो ली है। टेबल रो के अंदर आप ले लो टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग में हेडर में लिया हमने नेम, ओके TH, फाइन, देन हमने लिया TH अगेन, कॉल स्पैन, पहले मैं कॉल स्पैन समझाती हूँ, SPAN कॉल स्पैन इक्वल टू 2। कॉल स्पैन क्या होता है, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ TH एंड TD टैग। कॉल स्पैन क्या है, TH और TD टैग का क्या है, एट्रीब्यूट है। ओके,
और इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑक्यूपाइड बाय अ सेल। अब ये क्या स्पेसिफाई करता है कि एक सेल ने कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है, मतलब एक सेल कितने कॉलम्स को मिला के बनी है। तो मैंने अगर यहाँ पे कॉल स्पेन 2 दिया है तो इसका मतलब ये जो सेल बनेगी वो दो कॉलम्स को मिला के बनेगी। ठीक है, ये सेल कैसे बनेगी, ये कितना स्पेन करेगी, दो कॉलम्स को कवर करेगी। फाइन, तो ये जो सेल है मेरी उसका मैं नाम देती हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट नंबर्स। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स किससे बनी है, दो कॉलम्स को बना के मिली है। कॉल स्पेन इसका क्या है, 2 है, तो ये दो कॉलम्स को बना के ये आपकी सेल बनेगी। ठीक है, और अब मैंने इसको कर दिया टी आर को क्लोज, ये मैंने ये जो फर्स्ट रो थी वो बना दी। ठीक है, अब नेक्स्ट रो टी आर में मैंने फर्स्ट डेटा दिया है टी डी, टी डी में मैंने दे दिया रोहन। टीडी, ओके, देन सेकंड जो सेल दी है उसमें मैंने नंबर दिया, कुछ भी नंबर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे टीडी, देन आपने एक और दिया उसमें भी आपने नंबर दे दिया। अब मुझे नहीं पता ये 10 डिजिट्स हैं कि नहीं है, मैंने सिंपली बस दे दिया है। ठीक है, तो डोंट काउंट देम कि मैम ने सही नंबर दिया है या रॉन्ग नंबर दिया है। ओके, तो ये हमारी सेकेंड रो बन गई टी आर। फाइन, एंड देन टेबल क्लोज। ओके, अब हम इसको सेव कर लेंगे और अपना इसको देखेंगे रिफ्रेश। अब देखो ये टेबल, देखो यहाँ पर, ओहो मैंने कहीं पे तो मिस्टेक की है, मिस्टेक कहाँ की है, यहाँ पे टीएच का एट्रीब्यूट है ना कॉल स्पेन, मैंने टीएच को क्लोज कर दिया था, टीएच का एट्रीब्यूट है कॉल स्पेन, यहाँ पे टीएच कॉल स्पेन 2 कॉन्टेक्ट नंबर्स। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे इसको रो को क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो दो मिस्टेक कर रखी थी, सबसे पहले टेबल बॉर्डर 2 टीआर, हमने टीआर को स्टार्ट रो को स्टार्ट किया, उसके अंदर टीएच फर्स्ट हेडिंग दी नेम, सेकंड हमने दिए टीएच कॉल स्पेन 2, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर्स, टीएच क्लोज एंड रो हमारी होगी क्लोज, देन सेकंड रो स्टार्ट। ओके, नाउ कंट्रोल एस, नाउ वी विल सी जो हमने मिस्टेक की थी वो रेक्टिफाई कर ली है। ये देखो ये आपकी जो टेबल आई है, इज इट विजिबल टू यू, यहाँ पे नेम देन कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर किससे मिल बना है, दो कॉलम्स को ऑक्यूपाई करके बना है। राइट, जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बना है, देखो यहाँ पे जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बना है वो दो कॉलम्स को ऑक्यूपाई करके बना है। अगर मैं इसकी हाइट भी इंक्रीज कर देती हूँ टेबल की थोड़ी सी, तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। हाइट इसको हमने दे दिया 400 पिक्सल्स, एंड विथ भी हमने दे दिया 400 पिक्सल्स। ओके, कंट्रोल एस, तो आप इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं और ये आपकी आ गई टेबल, ये वाली टेबल। अब देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम जो बना है दो दो कॉलम्स को मिला के बना है, यहाँ पे इज इट विजिबल, दो कॉलम्स को बना यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, समझ आया, तो कॉल स्पेन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑक्यूपाइड बाय अ टेबल। अब हम नेक्स्ट करेंगे रो स्पेन। ठीक है, रो स्पेन, ओके, रो स्पेन के लिए मैंने बाकी ये सारा डिलीट कर दिया, हम एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं टी आर। ओके, टी आर के अंदर हमने लिया पहले टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग में ले लिया हमने नेम, अगेन टी एच। फाइन, अब इसके साथ ही मैं वर्टिकल टेबल क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे देखो मैंने टी डी ले लिया, टी डी ले लिया, टी डी में मैंने नेम दे दिया रोहन, ठीक है, फर्स्ट क्या लिया, देखो यहाँ पे टेबल हेडिंग लिया है, ओके, एंड देन टेबल डेटा लिया, ठीक है, टीडी, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्टिकल टेबल भी, इससे आपको पता चल जाएगी कैसे बनती है, वर्टिकल टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो और इसको कर दिया क्लोज, टीआर को हमने कर दिया क्लोज। फाइन, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रो टीआर। ओके, अब इसमें हमने लिया अगेन टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग में क्या करेंगे, रोज पेन, रोज पेन एट्रीब्यूट को हम यूज करेंगे, रोज पेन हमने दे दिया 2,
रोज पेन क्या होता है, रोज पेन इज एट्रीब्यूट ऑफ टी एच एंड टी डी टैग, दोनों का एट्रीब्यूट है, आप टी एच में भी अप्लाई कर सकते हो, टी डी में भी अप्लाई कर सकते हो। इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रोज ऑक्यूपाइड बाय अ सेल, ये स्पेसिफाई करती है कि एक कितनी एक सेल ने कितनी रोज को ऑक्यूपाइड किया है। कॉल स्पेन में क्या होता है, कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है, रोज स्पेन में क्या होता है, कितने रोज को ऑक्यूपाई किया है, एक टेबल ने सॉरी एक सेल ने कितने रोज को ऑक्यूपाई किया है। तो मैं यहाँ पे जो हमारी जो ये पर्टिकुलर सेल है कॉन्टेक्ट नंबर्स, ये दे दूँ कि ये हमें बताएगी कि कितने कितनी रोज को मिला के ये पर्टिकुलर सेल बनी है टीएच। तो दो दो हमने रोज दिया, ठीक है, और इसके इस रो में हमने दिया फिर टीडी, फाइन। टीडी में आप दोगे यहाँ पर कोई भी नंबर दे दो, फाइन। अब ये वाली रो होगी हमारी क्लोज, इसको क्लोज कर दो, क्लोज, फाइन। देन अगेन टी आर, नेक्स्ट रो में आप दोगे ओनली टेबल डेटा नंबर, डीडी एंड देन टी आर क्लोज, फाइन। किसको क्लोज करना है, टेबल को क्लोज करना है, टेबल क्लोज, ओके, एंड देन बॉडी, एंड देन आप क्या क्लोज करोगे, HTML, फाइन। ओके, इसको हम कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव, ऑलरेडी हमने इसको सेव किया हुआ है। रिफ्रेश करूंगी तो वहां पे जो है बाकी की मैंने सारी कोडिंग डिलीट कर दी थी, तो अब ये सारा डिलीट हो जाएगा। सी, ये आ गई हमारी वर्टिकल टेबल आई है, और देखो यहाँ पे जो फर्स्ट, इसकी हम हाइट भी थोड़ी बढ़ाती हूँ तब आपको दिखेगी। अब करते हैं रिफ्रेश, देखो अब यहाँ पे जो नेम कॉलम है वो है, देखो वर्टिकल टेबल बन गई, ये हमारी हेडिंग है नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर्स, और ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो नेम रोहन तिवारी, अब देखो कॉन्टेक्ट नंबर्स जो ये हमारा क्या है सेल, इसने कितनी रोज को ऑक्यूपाई किया, इसने 1 2 2 रोज को ऑक्यूपाई किया, फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है। तो ये हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट अप्लाई किया था, रोज पेन इक्वल टू 2, तो कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट नंबर में हमने दिया था रोज पेन इक्वल टू 2, तो कॉन्टेक्ट नंबर सेल ने कितने रोज को ऑक्यूपाई किया है, 2 सेल्स को, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 सेल्स को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो ये हमारे दो एट्रीब्यूट्स हो गए हैं कॉल स्पेन एंड रोज स्पेन के, ओके। अब अगर आप किसी सेल के अंदर टेक्स्ट की जगह इमेज देना चाहते हो, ठीक है, अगर आप किसी सेल के अंदर टेक्स्ट की जगह इमेज देना चाहते हो, तो आप उसके अंदर आईएमजी टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर मैं जो ये मेरी ये वाला है जो उसके अंदर मैं देना चाहती हूँ एक इमेज, फाइन, या फिर आप नेम में ले लो, यहाँ पे जो हमारा नेम कॉलम है यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ इमेज, तो आप यहाँ पे IMGSRC टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। IMGSRC टैग आप कैसे यूज करोगे, तो मैंने यहाँ पे नेम को हटा दिया, टेक्स्ट को हटा दिया, ठीक है, टेक्स्ट को हटा दिया है, टेक्स्ट की प्लेस पे मैं क्या करूंगी, SRC और इमेज का URL दे दूंगी, ठीक है, ओके। मैंने क्या कि मैं क्या चाहती हूँ एक पर्टिकुलर सेल में टेक्स्ट की जगह इमेज आ जाए, तो मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट लिखा था उसे हटा दिया, उसकी जगह IMGSRC करके इमेज का URL दे दिया है, ठीक है। और आप सारे एट्रीब्यूट्स दे सकते हो इसमें, इमेज की हाइट, वेथ, बॉर्डर, जो भी चाहते हो। अभी मैंने सिंपल आपको ये दिखाया कि आप कैसे इसको दे सकते हो, यहाँ पे हम इसको क्लोज करें, ठीक है, इसको सेव करो एंड देन रिफ्रेश। तो देखो नेम की जगह क्या आ गया, इमेज आ गई है। आप यहाँ से हाइट विथ एट्रीब्यूट करके इसको सेट भी कर सकते हो, इमेज की हाइट, विथ, बॉर्डर, जो भी आपको एट्रीब्यूट देने। तो अब मैं आपको सबसे पहले एक्सटर्नल हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं इसका डेमो देती हूँ। HTML, फाइन, हेड,
इन हैट यू विल गिव टाइटल, टाइटल में आप दे दो लिंक ट्यूटोरियल, ओके यहाँ पे हमने टाइटल डॉक्यूमेंट टाइटल को क्लोज करना है, ओके टाइटल को क्लोज कर दिया, फाइन ओके नाउ बॉडी टैग राइट। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग देती हूँ, एंटर योर पर्टिकुलर्स हियर, बीआर टैग दे दिया फोर, बीआर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, फाइन। अब हम बनाएंगे हाइपरलिंक, एक्सटर्नल हाइपरलिंक। फर्स्ट मैंने दिया ए, ए क्या होता है, ए स्टैंड फॉर एंकर टैग, ठीक है ओके। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स इन एचटीएमएल। ए टैग्स क्या होता है, एंकर टैग होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, फाइन। और इसका एट्रीब्यूट क्या है, एच आर ई एफ, एच आर ई एफ, एच आर ई एफ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ओके। एंकर टैग का एट्रीब्यूट हमने यूज किया है एच आर ई एफ, एच आर ई एफ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। एच आर ई एफ हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का मतलब आप हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस दोगे, मतलब आप जिससे आपको लिंक बनाना है उसका यहाँ पे एड्रेस दोगे, मीन्स यूआरएल दोगे, ठीक है, जिस फाइल के साथ आपको अपनी करंट फाइल को लिंक करना है, ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस फाइल के साथ हमें लिंक करना है उसका हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, ओके। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल लेती हूँ, ये मेरी फाइल है, ठीक है, इसको मैंने ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर कर दिया, तो क्या होगा, इसका मुझे एड्रेस मिल जाएगा, फाइन। ये करने से मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा, सी इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, राइट, और नाउ इसको क्लोज कर दो आप, फाइन। यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी किया, कंट्रोल वी, एड्रेस कॉपी हो गया मेरा, ओके ओके नाउ अब हम किसको, अब हम क्या करेंगे, पहले किसी टेक्स्ट को बनाते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द फॉर्म, फाइन। और एंकर टैग क्या है, कंटेनर टैग है, ओके तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है, फाइन। देन बॉडी एंड देन एचटीएमएल, फाइन। अब हम इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, इसका नेम दे देते हैं हम लिंकिंग डॉट एच टी एम एल, लिंकिंग डॉट एच टी एम एल हमने दे दिया, सेव, फाइन। अब ये हमारा आ गया लिंकिंग, ओपन विद ब्राउजर, आप किसी भी ब्राउजर से, ओके नाउ सी हमारा क्या आ गया, हाइपर लिंक आ गया, सी जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या हुआ, आपका नेक्स्ट जो आपने फाइल लिंक की थी फॉर्म वाली, वो फाइल आपकी ओपन हो गई है, राइट। क्या करते हैं, इस पे भी हम क्रिएट कर देते हैं एक हाइपरलिंक, राइट। तो हमने क्या किया, ए एंकर टैग, एच आर ई एफ हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ओके। अब जो हमने, जो हमारी फर्स्ट वाली फाइल थी, ठीक है, ये वाली लिंकिंग वाली, इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइन। अब यहां से इसका हम एड्रेस कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और उसको अपने फॉर्म वाली फाइल में कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी, राइट। और यहाँ पे हम हाइपरलिंक बना देते हैं, गो बैक, राइट। और हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे पी टैग लगा, कंट्रोल एस। तो अब क्या हुआ, दोनों पेजेस पे एक दूसरे के लिए हाइपरलिंक हमने क्रिएट कर दिया, फाइन। अब इसका हम डेमो देखेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, ये हमारी फर्स्ट फाइल है, इस पे क्लिक किया फॉर्म आ गया। अब मैंने किया गो बैक, गो बैक पहली वाली फाइल आ गई, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म एंड देन
गो बैक। ओके तो दोनों वेब पेजेस पे क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी एक दूसरे के लिए, फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल हाइपरलिंक, फाइन। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाया था, ये हमारा टेक्स्ट बना था हाइपरलिंक, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म। अब मैं चाहती हूँ टेक्स्ट की जगह क्या हाइपरलिंक बने, इमेज हाइपरलिंक बने, फाइन। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या दोगे, आई एम जी टेक का यूज करोगे, आई एम जी एस आर सी, फाइन। और यहाँ पे क्या देना है आपको, इमेज का यूआरएल देना है, इमेज का एड्रेस देना है। तो हम कोई भी एक इमेज का एड्रेस ले लेते हैं यहाँ से, इमेज, जैसे ये इमेज है इसको हम कर लेते हैं ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो क्या होगा, इसका हमें एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस बाहर से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। यहाँ पे कंट्रोल वी, इमेज दे दिया। अब यहाँ पे आप इमेज की और भी जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक अलाइंग, अलाइंग भी यूज कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ भी यूज कर सकते हो, तो सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने सिंपली कोई एट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ इमेज एस आर सी और यूआरएल दिया है, ठीक है, कंट्रोल सी। अब हमने इसको सेव कर दिया, देन लिंकिंग गूगल क्रोम, लोडिंग। देखो पिक्चर आ गई है, पहले यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, ठीक है, वो सेव नहीं किया था तो पहले वो टेक्स्ट ही दिखा रहा था, राइट। अब यहाँ पे लिंक के आगे पिक्चर, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज देन गो बैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है वो बन गया है हाइपरलिंक, क्लिक ऑन दिस, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए, गो बैक, फिर आप जो आपका फर्स्ट फाइल थी वहां पर आ गए, ओके। तो अभी हमने क्या किया, हमने पिक्चर को हाइपरलिंक बनाया है। क्रिएट करोगे तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है, स्क्रॉल करना है अप एंड डाउन, ठीक है, सेक्शन से आपको लिंकिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट को पहले कॉपी कर लेते, चलो कंट्रोल वी, मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा बड़ा सा है जिससे क्या हो, हम ऊपर नीचे उसको अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बट ये इतना है नहीं, तो हम बी आर टैग से इसको क्या करते हैं, थोड़ा और इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इसको जिससे सेक्शंस के साथ कनेक्टिविटी, इंटरनल कनेक्ट हाइपरलिंक्स बनाने में क्या हो, हमें आसानी हो। फाइन, तो ये हमने वर्क कर लिया है, ओके। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हो जिसमें आप शो कर सको कि अगर लिंक होता है तो पेज स्क्रॉल करता है, फाइन। तो बी आर इसलिए दे रही हूँ, जैसे लाइन ब्रेक आएंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या होगा, वो थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा फिर। चलो हमने इतना ले लिया, फाइन। अब मैं बनाना सिखाती हूँ आपको इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं। जैसे ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसमें मुझे एक वेबसाइट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां पे मुझे जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं वहां पे जाऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए एंकर टैग एच आर ई एफ, एच आर ई एफ मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस से क्या करते हो, आप रेफरेंस देते हो। अब एक्सटर्नल हाइपरलिंक में हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइल होती है उसका एड्रेस देते हैं, यूआरएल देते हैं, पर यहाँ पे क्या है, सेम डॉक्यूमेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दोगे एक पर्टिकुलर वर्ड को एज अ रेफरेंस बनाओगे, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हैश, आपको हैश देना है, और एक कोई भी आप वर्ड ले लो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे वेबसाइट, फाइन, ओके। नाउ अब मैंने इस हाइपरलिंक बनाया, टेक्स्ट हाइपरलिंक, गो टू वेबसाइट, गो टू वेबसाइट एंड एंकर टैग क्लोज, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रही हूँ, और मैंने हाइपरलिंक बनाया गो टू वेबसाइट, फाइन। तो जिस पोर्शन के साथ आपको कनेक्टिविटी करनी है उस पोर्शन पे आप जाओ,
फाइन। तो अब मैं जाती हूँ वेबसाइट के साथ, मुझे कनेक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा वेबसाइट, फाइन, वेबसाइट लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या दोगे, ए एंकर नेम, ओके, नेम एट्रीब्यूट दोगे एंकर का, और उसको बताओगे कि आप किस वर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप वेबसाइट के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो, फाइन। पहले आपने ऊपर क्या दिया था, AHREF, ओके, डबल कोट्स हैश वेबसाइट। तो हमने एक वर्ड को कनेक्शन के लिए यूज किया है, जिसका जो क्या है, वेबसाइट, फाइन। तो क्या होगा, जब आप उस पे क्लिक करोगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, ए नेम उस वर्ड के पास ले जाएगा जिससे आपने कनेक्टिविटी की है, वो क्या है, वेबसाइट है, फाइन, ओके। अब यहाँ पे एक हमने ये बनाया, अब एक और बनाते हैं हम, जैसे हमारा ऊपर क्या है, प्रोटोकॉल लिखा है, तो हम एंड में जाते हैं, एंड में हम कर देते हैं AHREF, HREF, ओके। तो मेरा जो स्टार्टिंग का जो है, बिल्कुल टॉप पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, तो मैं प्रोटोकॉल ही लेती हूँ यहाँ पे। मैंने लिया हैश, हैश प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ले लिया। इस वर्ड के, इसको मैंने क्या बनाया, कनेक्शन पॉइंट, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैंने ले लिया गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दिया इस पर्टिकुलर वर्ड को, प्रोटोकॉल को, अब हम इसको क्या बनाएंगे, कनेक्टिविटी की पॉइंट बनाएंगे। तो आप कहाँ पे दोगे इसको, प्रोटोकॉल से ऊपर दोगे ए नेम, किस नेम से कनेक्टिविटी कर रहे हो आप, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल से आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। किस नेम से किया आपने, प्रोटोकॉल से, फाइन, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे देखो, गो टू वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, गो टू वेबसाइट कहाँ पे आ गया, वो पेज का पोर्शन आ गया जहाँ पे आपका वेबसाइट है, वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप गो टू पे, ये देखो गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन, तो हम क्या चले जाते हैं, अपर पार्ट पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, प्रोटोकॉल एवरी कंप्यूटर, ठीक है, समझ आया। देखो फिर से देखो, सी यहाँ पे, ठीक है, मैंने AHREF वेबसाइट वर्ड के साथ कनेक्टिविटी की, ठीक है। वेबसाइट पोर्शन पे आपने क्या किया, ए नेम देकर वेबसाइट लिखा, तो किस वर्ड के साथ कनेक्टिविटी हुई, वेबसाइट कनेक्शन पॉइंट बनाए, ठीक है, ओके। ऐसे ही मैंने डाउन में क्या किया था, गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन पे क्लिक किया, ओके, सॉरी, गो टू प्रोटोकॉल दिया AHREF प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल वर्ड को मैंने क्या बनाया, कनेक्शन पॉइंट, ठीक है, और हाइपरलिंक क्या दिया, गो टू प्रोटोकॉल। तो जब आप ऊपर जाओगे तो प्रोटोकॉल से पहले मैंने क्या दे दिया, ए नेम प्रोटोकॉल, फाइन, ओके। अब फिर से मैं दिखाती हूँ करके, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब प्रोटोकॉल आ गया, देखो प्रोटोकॉल थोड़ा नीचे आ गया, गो टू वेबसाइट किया तो वेबसाइट वाले पोर्शन पे हम आ गए हैं, देखो यहाँ पे वेबसाइट आया हुआ है, ठीक है। और अगर गो टू प्रोटोकॉल किया तो आप अब चले गए जहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो ये क्या हो गया, हमने इंटरनल हाइपरलिंक किया, फाइन। अब हमें अगर एक्सटर्नल हाइपरलिंक करना है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक बना रहे हैं, फाइन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल हाइपरलिंक में अभी आपने क्या किया था, फाइल टू फाइल को कनेक्ट किया था। अब मैं चाहती हूँ एक फाइल से दूसरी फाइल के एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम कनेक्ट करें, ठीक है, पूरी फाइल की जगह हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को, अब मैं ये आपको मैं क्यों करवा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल हाइपरलिंक कर लिया है, इंटरनल हाइपरलिंक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हाइपरलिंक का यूज कर रहे हैं, मतलब एक फाइल में हम एक फाइल से दूसरे फाइल के एक पर्टिकुलर सेक्शन को कनेक्ट करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो हमारा हमने पहले जो अभी इंटरनल की बनाई है फाइल, उसका हम यूआरएल लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल की फाइल का ले लेते हैं, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये रिफ्रेश नहीं थी, रिफ्रेश करते हैं, ओके। यहाँ से हमने इसका ले लिया यूआरएल, कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी ले लिया हमने इसका यूआरएल ले लिया, ठीक है। इस फाइल से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, कंट्रोल वी, फाइन, इस फाइल के साथ कनेक्टिविटी। अब मैंने यूआरएल ले लिया, इंटरनल लिंकिंग वाली जो हमने फाइल बनाई थी, ठीक है, उसका मैंने यूआरएल ले लिया, एक मैं नई फाइल बना रही हूँ। लेकिन अब मैंने क्या चाहती हूँ, मैं उस फाइल के
पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्टिविटी चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हैश वेबसाइट, वेबसाइट ले लिया फाइन, कि वेबसाइट वाले पोर्शन के साथ मुझे कनेक्टिविटी करनी है। ओके तो हम दे देते हैं गो टू वेबसाइट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेब पेज, ये दे देते हैं गो टू वेबसाइट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है। ओके बॉडी क्लोज एंड देन एचटीएमएल क्लोज, ठीक है। तो मैंने एक नई फाइल बनाई है, इसकी मैं कनेक्टिविटी कर रही हूँ दूसरे वेब पेज के साथ, और उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन के साथ, वेबसाइट पोर्शन के साथ, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसको आप दे दो न्यू डॉट एच टी एम एल, ठीक है सेव। अब हम इसको ओपन करते हैं, न्यू को ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है। हमारी लोड हो रही है, न्यू डॉट एच टी एम एल आ गई। गो टू वेबसाइट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है, इस पे क्लिक करो। देखो कौन सा सेक्शन आपका ओपन हुआ है, यहाँ पे कौन सा सेक्शन ओपन हुआ है, वेबसाइट वाला। अगर हम इसको पेज को स्क्रॉल करते हैं तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने कहाँ से कनेक्टिविटी की थी, हमने वेबसाइट वाले पोर्शन के साथ कनेक्टिविटी की थी, ठीक है। तो आप इसको देखो, हमने यूआरएल दिया हैश, और जो वर्ड एज अ कनेक्शन यूज किया है वेबसाइट, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो जो आपकी फाइल है उसमें ए नेम वेबसाइट लिखा हो, ठीक है। ए नेम, तो ये ऑलरेडी हमने जब इंटरनल लिंकिंग किया था तो इस फाइल में किया हुआ है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, जब हमने अभी इंटरनल लिंकिंग किया था तो इस फाइल में हमने दे रखा है वेबसाइट के ऊपर ए नेम, किस वर्ड के साथ लिंकिंग कर रखे है, करी हुई है ए नेम वेबसाइट, फाइन। तो ये देना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना कि जिसके साथ पोर्शन के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो उस वेबसाइट, उस पर्टिकुलर फाइल के टेक्स्ट फाइल में ये हो ए नेम वेबसाइट, फाइन। तो हमने क्या किया, कनेक्टिविटी किसके साथ क्रिएट कर दी, एक पर्टिकुलर पोर्शन के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करी, फाइन। ओके अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट हाइपरलिंक टू एन ईमेल बॉक्स। एक जो आपके सिस्टम पे मेल बॉक्स प्रोग्राम होगा, आप उससे क्या करोगे, हाइपरलिंक उसके अंदर करोगे क्रिएट, फाइन। क्या होता है ईमेल लिंक्स, ईमेल लिंक्स आर द लिंक्स व्हिच व्हेन क्लिक्ड अपॉन ओपन द डिफॉल्ट मेल प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। ईमेल लिंक वो लिंक होते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या करते हैं, आपके जो सिस्टम पे डिफॉल्ट मेल प्रोग्राम है, कोई भी मेलिंग प्रोग्राम है, उसको ओपन कर देते हैं। ओके एंड जो आप इसके अंदर ईमेल एड्रेस मेंशन करोगे, वो कहाँ उसके क्या होगा, टू वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ओके और जो आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे, वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सब्जेक्ट में एज इट इज टाइप हो जाएगा, फाइन। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए एच आर ई एफ रेफरेंस, ओके अब हम लिखेंगे मेल टू, फाइन। अब यहाँ पे आप कोई भी वो दे दो ईमेल एड्रेस, जैसे मैंने दिया abc@gmail.com, फाइन दे दिया। ओके अब मुझे सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट तो मैंने लिया क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में मैंने दे दिया जैसे सेंट बाय दीप्ति, ओके सब्जेक्ट दे दिया, फाइन। ओके अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हाइपरलिंक का टेक्स्ट देंगे, जैसे इसको हम दे देते हैं ईमेल लिंक, दिस इज ईमेल लिंक दे देते हैं, दिस इज ईमेल लिंक, दिस इज ईमेल लिंक, ओके और मैंने इसको कर दिया क्लोज, फाइन। अब इसको हम कर देंगे सेव, कर दिया आपने ईमेल लिंक, फाइन सेव कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन विद ओके टेक्स्ट फाइल, मैंने डॉट एस टी एम एल नहीं किया ना, सेव एस ईमेल लिंक डॉट एस टी एम एल, एस टी एम एल जरूर करना है, डॉट एस टी एम एल सेव, फाइन। अब हम इसको क्लिक करेंगे ओपन विद गूगल क्रोम से कर लो, या किसी से भी कर सकते हो आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी कर सकते हो। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, दिस इज ईमेल लिंक, फाइन।
तो आपका क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। फाइन। नाउ सी, जो आपने क्या दिया था, ईमेल एड्रेस दिया था, वो टू आपके जो ईमेल प्रोग्राम है उसके अंदर क्या है, वो ओपन हो गया है। फाइन। तो ईमेल एड्रेस कहाँ पे आ रहा है, टू सेक्शन में आ रहा है, और सब्जेक्ट दिया था मैंने सेंट बाय दीप्ति, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमने बना लिया है ईमेल बॉक्स, ईमेल लिंक बना लिया है। फाइन। तो अब इस ओके नाउ फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, लिंकिंग टू एन ऑडियो क्लिप। तो हम क्या करेंगे, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपना, एचटीएमएल, ठीक है, और उसमें हम आप ले लो हेड, देन टाइटल, टाइटल में आप दे सकते हो क्या, ऑडियो लिंकिंग कर दो, ठीक है, ऑडियो लिंकिंग ट्यूटोरियल भी कर सकते हो, ट्यूटोरियल। फाइन। हमने क्या किया, टाइटल को क्लोज, देन आपका हेड क्लोज, ओके। नाउ बॉडी, बॉडी टैग के अंदर अभी हम क्या बनाएंगे, हाइपरलिंक बनाएंगे, HREF, ओके, HREF स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ओके। अब यहाँ पे क्या देंगे, अपनी ऑडियो क्लिप का यूआरएल देंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑडियो क्लिप का यूआरएल दे दिया है। फाइन। नेक्स्ट, अब आपको क्या देना है, हाइपर टेक्स्ट देना है, जिसपे क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर ऑडियो पर क्या पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लिक टू प्ले म्यूजिक। फाइन। क्लिक टू प्ले म्यूजिक, देन बॉडी क्लोज, एंड देन आपका एचटीएमएल क्लोज। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, अपनी फाइल को आप सेव करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे इसको हम दे देते हैं नेम, ऑडियो लिंकिंग 1.html, क्योंकि हम फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सेव। फाइन। ओके नाउ, अब यहाँ पे हमारा ऑडियो लिंकिंग 1 ये आ गया है, इसको ओपन विद ब्राउजर कर देते हैं। फाइन। ओपन विद गूगल क्रोम। ओके नाउ, ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखो इसका जो आपने टाइटल दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऑडियो लिंकिंग ट्यूटोरियल। फाइन। ये हमने जो टेक्स्ट दिया था, हाइपरलिंक टेक्स्ट, ओके, अब इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, सी म्यूजिक आ गया, हमारा फाइल आ गई विद कंट्रोल्स, पूरे कंट्रोल्स आए हुए हैं, प्ले एंड ओके, वॉल्यूम का है, फाइन, स्पीड का है, ओके, तो सारे कंट्रोल साथ में आए हुए हैं। सी, इसको प्ले कर सकते हैं हम लोग। फाइन। ओके, तो यहाँ से इसको स्टॉप करना चाहते हैं आप स्टॉप कर सकते हो, इसका वॉल्यूम ऑफ एंड ऑन यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे और भी कंट्रोल्स हैं, प्लेबैक स्पीड, प्लेबैक स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर करना चाहते हो, नॉर्मल है अभी, और करना चाहते हो 1.25, जो भी आपको स्पीड करनी है वो आप कर सकते हो। फाइन। सी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, हाइपरलिंक से लिंक किया है इस ऑडियो फाइल को। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे एम्बेडिंग वाला। ओके, अब हम यहाँ पे लिंकिंग हटा देते हैं, अपना एम्बेड मेथड अप्लाई करेंगे। फाइन। तो मैं पहले यहाँ पे एक हेडिंग दे देती हूँ, H1 एम्बेडिंग साउंड फाइल, ठीक है। H1, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, एम्बेड टैग का यहाँ पे यूज करेंगे, एम्बेड टैग का आप यूज करोगे SRC, SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ओके, और यहाँ पे हम यूआरएल देंगे फाइल का, फाइल का यूआरएल हमने दे दिया है। फाइन। बॉडी क्लोज है एंड एचटीएमएल हमारा क्लोज है, ठीक
ठीक है। तो इस जो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है एम्बेड टैग का यूज करके हम क्या करें, फाइल को अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करें। ओके, कंट्रोल एस सेव कर दिया, करेंगे ओपन विथ गूगल क्रोम, फाइन। ओके, अब देखो पहले क्या आ रहा था, लिंक आ रहा था। लिंक पे जब हम क्लिक करते थे तब हम फाइल के पास पहुंचे थे। अब क्या है, ये हमारे पास हमारे जो वेब डॉक्यूमेंट है, जो एचटीएमएल फाइल है, उसके अंदर ही क्या एम्बेड होके आ गया है। फाइन, अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। सी प्ले कर रही है, ठीक है। इसमें कंट्रोल्स भी है आपका, वॉल्यूम का है, ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमने पहले लिंकिंग की थी उसमें क्या था, हाइपर लिंक से लिंक हो रहा था, एक वेब डॉक्यूमेंट से लिंक कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, ये एम्बेडेड है, मतलब एचटीएमएल फाइल के अंदर इंसर्ट है, ठीक है। तो इंसर्ट एम्बेड होके आया है हमारे पास, फाइन। अब हम अप्लाई करते हैं थर्ड मेथड बाय यूजिंग ऑडियो टैग, ठीक है, एम्बेडिंग साउंड फाइल बाय यूजिंग ऑडियो टैग। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल चेंज कर देते हैं इसको, साउंड यही रहने देते हैं, एम्बेड की जगह मैं यूज कर लेती हूँ ऑडियो, ऑडियो टैग का यूज करती हूँ, SRC, ठीक है, ऑडियो SRC, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम और एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कंट्रोल्स। कंट्रोल से क्या होगा, हम कंट्रोल्स यूज करने से हमारे पास कंट्रोल्स और भी आ जाएंगे जो हम यूज कर सकते हैं, लाइक जो अभी कुछ तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल ही रहे हैं, कंट्रोल्स वॉल्यूम का मिल रहा है, ठीक है, स्पीड का मिल रहा है, बाकी देखते हैं कंट्रोल्स यूज करने के बाद। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे किया लूप का, लूप जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए, अगर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ, ट्रू करने से क्या होता है, मेरी जो साउंड है वो क्या होगी, फिनिश होने के बाद भी चलती रहेगी, लूप करती रहेगी, ठीक है, बार 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 वो लूपिंग में आएगी, फाइन। अब यहाँ पे ऑडियो टैग को हम क्लोज कर देंगे, ऑडियो इज अ कंटेनर टैग, फाइन। ओके, ऑडियो लिंकिंग ओपन विद गूगल क्रोम, लोड हो रही है। सी देखो एम्बेड होके आ गई है आपकी, ठीक है, वेब पेज के अंदर क्लिक करेंगे, साउंड आ रही है, फाइन। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अब मैं इसको एंड तक ले जाती हूँ, देखती हूँ ये लूपिंग करती है नहीं, एंड पे ले गए, अब देखते हैं इसके बाद लूपिंग होती है नहीं होती है, ठीक है। 417 के बाद देखते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि हमने लूप में क्या दिया, इक्वल टू ट्रू, ठीक है, 417 के बाद ही दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है। आप देखो 0 से फिर स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट क्या दिया था, लूप इक्वल टू ट्रू, फाइन। इसका क्या मतलब होता है कि वो फिनिश होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाए, साउंड की लूपिंग होती रहे। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे 3 मेथड्स कवर किए हैं, ठीक है, हाइपरलिंक से लिंकिंग की है, देन आपने क्या किया है, एम्बेड टैग का यूज करके किया है, एंड देन आपने ऑडियो टैग का यूज करके क्या किया है, ऑडियो फाइल को इंसर्ट कराया है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ओके, तो हियर वी हैव यूज्ड 3 वेज फॉर इंसर्टिंग ऑडियो फाइल इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ओके, अब हम कौन सा करेंगे, फर्स्ट मेथड सबसे पहले करेंगे लिंकिंग टू अ वीडियो क्लिप, लिंक लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है, वीडियो क्लिप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एचटीएमएल ले लिया, देन हेड, हेड में आप टाइटल दे दो, टाइटल हमने ले लिया वीडियो लिंकिंग ट्यूटोरियल, फाइन। देन आपका टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट बॉडी टैग, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग देते हैं H1 लिंकिंग वीडियो, ओके, हेडिंग दे दिए। नाउ अब हम एंकर टैग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, HREF, ओके,
बिकॉज हमें हाइपरलिंक बना रहे हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करके आपका क्या ओपन होगा, वीडियो फाइल ओपन होगी, फाइन। तो यहाँ पे वीडियो फाइल का आपको क्या देना है, यूआरएल देना है, दे दिया, ओके। नाउ अब हम हाइपर टेक्स्ट लिखेंगे, क्लिक हियर टू प्ले वीडियो, फाइन, एंड देन एंकर बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज, फाइन। अब इसको सेव कर लेते हैं, इसको हम लिख कर लेते हैं वीडियो लिंकिंग 1.html, फाइन, ओके, सेव कर लेते हैं वीडियो लिंकिंग सेव। ये फाइल हम देखेंगे, वीडियो लिंकिंग 1 ओपन विद गूगल क्रोम, ये लोड हो रहा है, हमारा फाइल लोडिंग हो रही है। अब देखो हमने हेडिंग दी थी लिंकिंग वीडियो फाइल, अब ये हाइपरलिंक है, इस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक सी, आपकी फाइल आ गई, वीडियो लिंक हो गई है। अब देखो यहाँ पे हमें कंट्रोल्स भी मिले हैं, सी। अब यहाँ पे क्या है, इसको हमारे को कंट्रोल दिया हुआ है वॉल्यूम को भी, एंड वी हैव डिफरेंट कंट्रोल्स। यहाँ पे देखो प्लेबैक स्पीड का दिया हुआ है, पिक्चर इन पिक्चर का दिया हुआ है, आप ऐसे पिक्चर इन पिक्चर भी क्रिएट कर सकते हो, फाइन। बैक टू द टैब, ओके, एंड आपको फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हो, एंड एस्केप करके आप क्या कर सकते हो, इसको इसके ओरिजिन पोजीशन पे भी, इनिशियल पोजीशन पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिले हुए बाय डिफॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हाइपरलिंक क्रिएट किया था वीडियो फाइल के लिए, ओके। हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म। सो व्हाट इज एचटीएमएल फॉर्म? एचटीएमएल फॉर्म सर मींस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। तो हम एचटीएमएल फॉर्म का क्या यूज है, आप किसी भी साइट, जो साइट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, वो एचटीएमएल फॉर्म की हेल्प से आपसे डेटा कलेक्ट करती है, आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, राइट। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट ओवर। ये किसकी हेल्प से होता है, जो फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं, ओके। उन कंट्रोल्स के अंदर आप डेटा अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हो और वो क्या होता है, वो बैकएंड पे जाता है, ओके। जो फ्रंट एंड होता है उस पे आपको फॉर्म दिया जाता है, और जो भी आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो वो बैकएंड में जाके सर्वर के पास जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू क्रिएट द फॉर्म हियर, ओके। सो हियर वी हैव, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एचटीएमएल हेड, ओके। इन हेड यू विल गिव द टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, ओके, हमने दे दिया यूजर रजिस्ट्रेशन, टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज, फाइन। नाउ अब आप बॉडी स्टार्ट करोगे, बॉडी बॉडी के कुछ हम वो दे देते हैं, एट्रीब्यूट दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर मैंने दे दिया साइन, ओके। एंड टेक्स्ट किस कलर में आए, टेक्स्ट आ जाए हमारा ब्लू कलर में, फाइन, ओके। नाउ एक हेडिंग दे देते हैं फॉर्म को, सेंटर में सेंटर टैग, ओके, H1 हेडिंग रजिस्ट्रेशन पेज या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। H1 हेडिंग एंड देन सेंटर क्लोज, फाइन, ओके। नाउ हियर वी विल स्टार्ट विद द फॉर्म टैग, फॉर्म टैग से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। फॉर्म टैग क्या है, कंटेनर टैग है, राइट। और फॉर्म टैग के भी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम एट्रीब्यूट, एक्शन मेथड, ये मैं आपको एंड ऑफ जब हम पूरा कंप्लीट फॉर्म बना लेंगे ना तब मैं समझाऊंगी कि जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके कंट्रोल्स लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बनाएंगे वन लाइन
इनपुट बॉक्स, ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ओके, जिसके अंदर आप सिंगल लाइन मतलब एक लाइन का टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो। और ये आप किसकी हेल्प से करते हो, इनपुट टैग की हेल्प से करते हो। फाइन, तो सबसे मैंने लिया, सबसे पहले लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फाइन, एंड देन इसमें आपने दिया इनपुट। इनपुट टैग की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप वन लाइन का एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। फाइन, ओके, इनपुट टाइप, अब टाइप दोगे, ओके, टाइप एट्रीब्यूट में आपने दे दिया टेक्स्ट। फाइन, ओके, टाइप एट्रीब्यूट क्या है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल यू वांट टू क्रिएट। ये आप बताते हो किस टाइप का आप इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हो, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हो, पासवर्ड इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हो, रेडियो बटन बनाना चाहते हो, चेक बॉक्स बनाना चाहते हो, तो यहाँ टाइप में आप स्पेसिफाई करोगे। तो अभी मैंने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया है, तो किस टाइप का इनपुट बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बनेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट में दूंगी इसका, हमने दे दिया नेम, नेम में मैंने दे दिया रियल नेम, सॉरी रियल नेम, ओके, रियल नेम। अब नेम एट्रीब्यूट है, उसका उसका क्या यूज है, नेम ऑफ कंट्रोल विच इज सेंड टू द सर्वर। ये क्या है, कंट्रोल का नेम है जो कहाँ जाएगा, जब फॉर्म की प्रोसेसिंग होगी तो वो सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस कंट्रोल का नाम हो गया रियल नेम, ओके। नाउ वी हैव साइज, साइज एट्रीब्यूट, साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 40। साइज क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द विथ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ करेक्टर। साइज 40 मीन्स अब इस बॉक्स के अंदर 40 करेक्टर्स आप फिल कर सकते हो, ओके, आप 40 से ज्यादा करेक्टर्स नहीं फिल कर सकते। फाइन, अब क्या है, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मैंने दे दी यहाँ पे। मैक्स लेंथ भी जब हम 40 करेक्टर्स कर सकते हैं तो मैक्सिमम लेंथ भी 40 दे देते हैं, ओके। तो ये भी क्या है, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स अ यूजर कैन एंटर इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। मैक्सिमम लेंथ भी वही है कि उसकी लेंथ कितनी है, वो 40 करेक्टर्स ही कंटेन कर सकता है। फाइन, आप मैक्सिमम लेंथ ज्यादा भी दे सकते हो, ओके, तो मैंने इतना दे दिया है। फाइन, अब हम दे देते हैं बी आर टैग लाइन ब्रेक के लिए, ओके, ये हमने फर्स्ट दिया था, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, कंट्रोल वी। अब फर्स्ट नेम की जगह यहां मैं कर देती हूँ लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यहाँ पे हम दे देते हैं सरनेम, ओके, साइज 40, मैक्स लेंथ हमारी 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो इनपुट बॉक्स बनाए हैं, ओके, और यू कैन से दो मैंने क्या बनाए, टेक्स्ट बॉक्स बनाए। फाइन, ओके, सी। अब देखो, अगर आप इनको देखना चाहते हो, ठीक है, तो हम इसको सेव करते जाते हैं साइड बाय साइड, जो भी बनता जाएगा उसको, जो भी कंट्रोल हमारा क्रिएट होता जाएगा उसको हम देखते जाएंगे। फाइन, तो यहाँ पे हम करते हैं सेव एस, डेस्कटॉप पे मैं इसको दे देती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट html, ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट html मैंने दे दिया है। फाइन, ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओपन विद गूगल क्रोम कर देते हैं। फाइन, नाउ इट इज स्टार्टिंग। अब देखो, यहाँ पे हमारे दो इनपुट बॉक्स बन गए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फाइन, अब देखो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसको इसको भी हम ले लेते हैं। फाइन, ओके, तो सबसे पहले हमने दो इनपुट बॉक्स बना लिए। फाइन, फाइन, अब हम बनाएंगे पासवर्ड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया पासवर्ड, ओके, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में आप क्या दोगे, पासवर्ड दोगे, ओके, पहले आपने टेक्स्ट दिया था टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, अब आपका पासवर्ड बॉक्स बनेगा, ओके, तो जिसमें आप जो भी करेक्टर दोगे वो किसमें आएगा, वो अपीयर नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है।
नेम हमने दे दिया इसका PWD, कुछ भी दे सकते हो आप नेम। ओके, साइज मैंने दे दिया पासवर्ड का 10 के 10 करेक्टर्स का ही पासवर्ड होना चाहिए। मैक्स लेंथ हमने दे दी है बॉक्स की 10। ओके, एक एक और फील्ड बनाते हैं, रीटाइप पासवर्ड। रीटाइप पासवर्ड, फाइन। इसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं। रीटाइप पासवर्ड, ओके। इनपुट टाइप आपका पासवर्ड रहेगा। ओके, नेम आप दे दो इसका, रीपास कुछ भी दे सकते हो। इसका नेम मैंने दे दिया रीपास, फाइन। साइज एंड मैक्स लेंथ सेम है। ओके, इसको सेव कर दो। अब हम जाएंगे इस पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो दो फील्ड आ गए। अगर आप, मैं इसमें कुछ भी टाइप करती हूँ तो देखो वो विजिबल नहीं है, फाइन। ये विजिबल नहीं है, हाइड हो रहा है। तो अभी हमने बनाए हैं दो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स, राइट। अब हम बनाएंगे, ओके नाउ अब हम बनाएंगे रेडियो बॉक्स और रेडियो बटन्स, ठीक है। रेडियो बटन्स बनाते हैं, फाइन। रेडियो बटन्स आर यूज्ड व्हेन ओनली वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। रेडियो बटन्स कब यूज किए जाते हैं? जब आपको बहुत सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे बना दिया जेंडर, ओके। इनपुट टाइप आपने यहाँ पे दोगे रेडियो, ओके। यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? रेडियो बटन्स क्रिएट कर रहे हैं, फाइन। नेम आपने दे दिया इसका, जेंडर ही नेम दे देते हैं। जेंडर वैल्यू, वैल्यू मैंने दे दी एम, ओके। एंड इसमें फाइन, ओके। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, फाइन। यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर एंड वैल्यू एफ, फीमेल एफ, ओके। इसके बाद हम दे देते हैं बी आर टैग। यहाँ पे बी आर टैग दे रही हूँ लाइन ब्रेक के लिए, जिससे हर जो भी कंट्रोल बन रहा है उसके बाद क्या हो, लाइन ब्रेक आए, फाइन। यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट दैट यू वांट टू क्रिएट अ रेडियो बटन, ठीक है। यहाँ से टाइप हमने रेडियो दिया तो रेडियो बटन क्रिएट होगा। नेम क्या है? नेम ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल का नाम है। जेंडर वैल्यू, वैल्यू किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू इंडिकेट द वैल्यू डेट विल बी सेंड टू द सर्वर इफ द ऑप्शन इज सिलेक्टेड। तो ये वैल्यू मतलब एम और एफ जाएगा, जब भी आप इस पे इसको सिलेक्ट करोगे तो जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? सर्वर के पास जाएगी, राइट। और अगर हमने इसके अंदर चेक एट्रीब्यूट भी यूज किया होता तो क्या होता? इट इंडिकेट्स दैट दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट व्हेन द पेज लोड्स। अगर आप चेक डॉट लिख देते हो तो क्या होगा? तो जब जब आपका फॉर्म आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड होगा, मतलब ऑलरेडी वो सिलेक्टेड होगा, फाइन। तो यहाँ पे हमने इतना बनाया, इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। देखते हैं रेडियो बटन हमारी क्रिएट हुई है, रिफ्रेश। देखो रेडियो बटन क्रिएट हो गई, मेल फीमेल, एक बार में ये एक ही सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक ऑप्शन, राइट। ओके नाउ अब हम बनाएंगे चेक बॉक्स, ओके। चेक बॉक्स आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। चेक बॉक्स का कहाँ यूज होता है? जब हम एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ओके। व्हेन अ चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड इट्स नेम वैल्यू पेयर इज सेंड फॉर प्रोसेसिंग। और जब चेक बॉक्स सिलेक्ट होता है तो उसकी नेम और वैल्यू पेयर चली जाती है सर्वर के पास। जैसे यहाँ पे नेम वैल्यू, हर कंट्रोल का नेम और वैल्यू पेयर जाता है सर्वर के पास प्रोसेसिंग के लिए, फाइन। इसलिए अब हम देंगे बनाएंगे चेक बॉक्स। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया हॉबीज, ओके। इनपुट टाइप
इनपुट टाइप में मैंने क्या दिया, चेक बॉक्स। ओके नेम यहाँ पे मैंने दे दिया इसका H1 और वैल्यू दे दी है इसकी पेंटिंग। फाइन पेंटिंग। ओके तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल बी, इनपुट टाइप आपका चेकबॉक्स, ठीक है। नेम यहाँ पे आप S2 कर दो। ओके एंड वैल्यू आप दे दो रीडिंग रीडिंग, ठीक है। तो जब आपके फॉर्म की प्रोसेसिंग होगी तो किसका पेयर जाएगा, नेम प्लस वैल्यू का पेयर जाएगा सर्वर के पास, कि आपके कंट्रोल का नेम क्या है H1 है, वैल्यू क्या है पेंटिंग है। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, अगर आपने सेकंड को सिलेक्ट किया तो नेम क्या है H2 है, वैल्यू क्या है रीडिंग। ओके तो ऐसे पेयर होके सर्वर के पास जाता है, ठीक है रीडिंग। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम लेते हैं H3, वैल्यू हमारी हो गई म्यूजिक म्यूजिक, देन योर H4 एंड वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे स्केटिंग, स्केचिंग नॉट स्केटिंग, दिस इज स्केचिंग। इसके बाद आप लगा दो BR टैग। ओके तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, 4 चेक बॉक्सेस बनाए। और चेक बॉक्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, आप एक बार में एक से ज्यादा चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल सी रिफ्रेश। अब देखो आपके चेक बॉक्स आ गए यहाँ पे, आपने पेंटिंग को सिलेक्ट किया, रीडिंग को सिलेक्ट किया, म्यूजिक को सिलेक्ट किया, आप सारे चेक बॉक्स करना चाहते हो तो सारे सिलेक्ट कर सकते हो। पर रेडियो बटन के साथ ऐसा नहीं, रेडियो बटन में एक बार में आप एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। फीमेल किया है, फिर अगर आप मेल करते हो तो फीमेल क्या होगा, डिसलेक्ट हो जाएगा। फाइन ओके अब हमने बना लिया चेक बॉक्स। ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चेक बॉक्स ऐसा बनाते हैं जो ऑलरेडी चेक्ड मिले, जब फॉर्म लोड हो तो वो चेक मिले। तो हमने यहाँ पे लिखा PL प्लीज प्लीज मी ऑन योर मेलिंग लिस्ट। फाइन और BR टैग हम इसलिए दे रहे हैं जिसे कंट्रोल के बीच में क्या हो, 1 लाइन का डिस्टेंस हो। फाइन यहाँ पे आप दोगे कंट्रोल भी, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम मैं दे देती हूँ यहाँ पे मेलिंग लिस्ट, मेलिंग लिस्ट वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू आप क्या दोगे, यस दोगे, यस बिकॉज इट इज ऑलरेडी चेक्ड, यस। ओके एंड आपने कौन सा एट्रीब्यूट दिया, चेक्ड चेक्ड। फाइन जब आप चेक्ड एट्रीब्यूट देते हो तो क्या होगा, जब फॉर्म लोड होगा तो वो कंट्रोल ऑलरेडी सिलेक्टेड सिलेक्टेड होगा। ओके ओके अब हम देखो यहाँ पे इसको सेव कर दिया। नाउ रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी ये क्या है, ये जो चेक बॉक्स आया है वो क्या है, सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके अब हम क्रिएट करेंगे सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स या फिर आप उसको कॉम्बो बॉक्स भी कह सकते हैं, सिलेक्ट लिस्ट कंट्रोल भी कह सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू बी सिलेक्टेड, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, बट ओनली 1 or 2 विल बी सिलेक्टेड, पर हम क्या करते हैं उनमें से केवल एक या दो ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं। ओके और सिलेक्ट बॉक्स कैसे बनता है, सिलेक्ट बॉक्स इज क्रिएटेड विद सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग पेयर, तो ये दो टैग को मिला के बनता है, सिलेक्ट टैग को एंड ऑप्शन टैग को, ठीक है। तो मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ कि आप कैसे बनाओगे, व्हाट कंट्री कंट्री डू यू लिव इन। ओके ये मैंने दिया फाइन, उसके बाद आप दोगे सिलेक्ट, पहले हमारा जो फर्स्ट टैग है वो सिलेक्ट है, सिलेक्ट नेम।
ओके सिलेक्ट नेम फाइन, यहाँ पे मैंने दे दिया COUNTRY कंट्री। ओके अब नेम एट्रीब्यूट क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्रोल, यहाँ पे ये कंट्रोल का नाम है कंट्री, ठीक है, जो आपका कंट्रोल आएगा वो कंट्री नेम से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो ये किसका जो ये सिलेक्ट बॉक्स बनता है किसका पेयर से बनता है, सिलेक्ट टैग से एंड ऑप्शन टैग से। अब हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू आपने ले लिया, जैसे पहले ले लिया आपने IND इंडिया के लिए, ठीक है, ये आपने ले लिया INDIA इंडिया, फाइन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं, ऑप्शन वैल्यू ही कर लेते हैं, ऐसे कितना, फाइन, नाउ ऑप्शन वैल्यू। अब नेक्स्ट आपने दिया USA, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, फाइन, आपने दे दिया ये CA, ये आपका हो गया कैनेडा, फाइन, देन आपने दे दिया FR, FR फॉर फ्रांस, देन हम दे देते हैं एक और SPR, ठीक है, ये हमने दे दिया सिंगापुर, फाइन। अब आपने क्या किया, सिलेक्ट टैग को क्लोज किया, ओके सिलेक्ट टैग को क्लोज किया, ठीक है। तो वैल्यू जो हमने लिया है एट्रीब्यूट, ये क्या है, द वैल्यू दैट इज सेंड टू द सर्वर इफ दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड, ये वो है जब आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो ये जो वैल्यू है वो जाएगी सर्वर के पास, ठीक है। जैसे आपने IND दिया तो ये IND जाएगी, USA जाएगी, तो जो जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू सर्वर के पास जाएगी, फाइन, ओके। यहाँ पे इसको हम देते हैं BR टैग, अगेन BR टैग, ओके, कंट्रोल एस, नाउ लुक एट दिस, रिफ्रेश, देखो आपके आ गया ये। अब इसको हम देखते हैं, व्हाट कंट्री डू यू लिव इन, नाउ लुक एट दिस, आप यहाँ से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो वो क्या होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, फाइन, दिस इज योर सिलेक्ट बॉक्स, फाइन, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया का क्या यूज है, जब आपको मल्टीपल लाइंस का क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट देना है, ठीक है, आपको एक से ज्यादा लाइंस का इनपुट देना है, वहां पे आप क्या क्रिएट करते हो, वहां पे आप एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए, तो वो किसकी हेल्प से आपको मिलता है, टेक्स्ट एरिया टैग की हेल्प से मिलता है, ओके। तो टेक्स्ट एरिया क्या है, इट इज अ लार्जर बॉक्स दैट अलाउज मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट टू बी एंटर्ड, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम करते हैं एक और अपना बनाते हैं कॉलम, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का, फाइन, TXT टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में कितनी रोज हो, हमने यहाँ पे 5 रोज ले लिए, ठीक है, एंड कॉलम्स, कॉल्स हमने लिया है 50, ओके, और आपके टेक्स्ट एरिया का हमने नेम रख दिया इन्फो, फाइन, ओके। और आप चाहते हो जब आपका टेक्स्ट एरिया अपियर हो तो ये आपका एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा है वो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, हियर यू कैन ऐड योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फाइन, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे बिकॉज ये क्या है, कंटेनर टैग है, टेक्स्ट एरिया क्लोज, BR टैग, ओके, एंड BR, फाइन, सेव,
रिफ्रेश, टेक्स्ट एरिया आ गया। देखो ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ, हियर यू कैन ऐड योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको हटा के अपना कुछ भी जो आपको लिखना है, हेलो जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, वेलकम टू क्लास व्हाटएवर, जो भी आपको लिखना है। राइट, ओके। नेक्स्ट हम बनाएंगे कमांड बटन्स। ओके, तो कमांड बटन्स में आपकी जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, सबमिट बटन, ओके, एंड रीसेट बटन। सबमिट बटन क्या है, इट दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट्स अ फॉर्म। ठीक है, वो क्या करते हैं आपके फॉर्म को सबमिट कर देती है, सबमिट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट नेम, नेम हमने दे दिया सबमिशन, वैल्यू आपकी हो गई सबमिट दिस फॉर्म। ओके, हमने जो ये वैल्यू जो दी है वो उस पे आपकी बटन पे लिखी हुई आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बना लिया रीसेट बटन। इनपुट टाइप आपका हो गया रीसेट, फाइन। नेम आपने दे दिया क्लियर, एंड वैल्यू, वैल्यू आपने दे दिया क्लियर फॉर्म एंड ओके। नाउ वी हैव हियर स्टार्ट ओवर। ठीक है, तो सबमिट बटन से क्या होगा, आपकी फॉर्म की डिटेल सबमिट हो जाएगी, सर्वर के पास चली जाएगी। रीसेट से क्या होगा, आपका फॉर्म जो अभी आपने टाइप किया है वो क्या होगा, वो इरेज हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, सो दैट यू कैन फिल इट अगेन। ठीक है, आप उसको दोबारा से फिल कर सकते हो, फाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म को क्लोज कर दिया, देन आपने बॉडी को क्लोज कर दिया, एंड देन आपने एसटीएम को, ओके, सेव कर दो। अब हम देखते हैं हमारी बटन आए नहीं आए, रिफ्रेश बटन आ गए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ठीक है, पासवर्ड आपने कुछ भी दे दिया, फाइन, ईमेल ये दे दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, हेलो। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ, देखो क्लियर हो गया, फाइन। अब ये क्या हो गया, आप दोबारा से कर सकते हो। ठीक है, अब सबमिट दिस फॉर्म, अगर मैं सबमिट करूंगी कुछ भी, तो अभी क्या है, मैंने फॉर्म के का लिंक कहीं से भी नहीं किया है। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन अभी सबमिट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करना है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए। हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, बट मैं सबमिट करती हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सबमिट करने पे ये बटन कुछ भी नहीं कर रही है, फाइन। तो अब हम फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो फॉर्म, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं फॉर्म का नेम देती हूँ। फॉर्म का नेम जैसे मैंने दे दिया सैंपल फॉर्म, ओके, ठीक है, ये क्या है फॉर्म का नेम। अब आप जो सेकंड एट्रीब्यूट दोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक्शन है। एक्शन में आपने क्या किया, एक्शन एट्रीब्यूट से क्या होता है, हियर यू विल स्पेसिफाई एनी यूआरएल व्हिच विल रिसीव द अपलोडेड डेटा। ठीक है, यहाँ पे आप वो यूआरएल स्पेसिफाई करोगे जो आपके फॉर्म के डेटा को रिसीव करेगा, फाइन, कि आपके फॉर्म का डेटा कहाँ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ मेल टू एबीसी एट द रेट, मैं सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आपने मेल टू किया, अब मेल टू से क्या होगा, आपका एक जो प्रोग्राम है, मेलिंग प्रोग्राम है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मेलिंग प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फाइन, ओके।
अब जो आप जब साइट्स होती है उसमें तो क्या होता है, प्रॉपर आपका क्या होता है, एक्शन के अंदर प्रॉपर यूआरएल होता है जहाँ पे आपके फॉर्म का डेटा जाके सबमिट होगा, फाइन। पर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मेल टू दे दिया, जिससे मेरा क्या होगा, मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पे मेरा डेटा अपियर हो जाएगा, फाइन। अब मैंने मेथड दिया, मेथड दे दिया मैंने पोस्ट, पोस्ट, फाइन। अब मेथड क्या है, हियर यू विल स्पेसिफाई मेथड टू बी यूज टू अपलोड डेटा। यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे कि आप कौन से मेथड से डेटा को अपलोड करना करना चाहते हो, ओके। तो इट कैन टेक वेरियस वैल्यूज बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर, तो इसकी मेथड की काफी सारी वैल्यूज होती है बट जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है गेट एंड पोस्ट, ठीक है। अब गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है, बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर इन एचटीटीपी प्रोटोकॉल। हमें पता है कि गेट मेथड से और पोस्ट मेथड से दोनों से डेटा ट्रांसफर होता है, क्लाइंट क्लाइंट फॉर्म जो आप क्लाइंट फिल करता है वो सर्वर के पास जाता है, ठीक है, ओके। तो डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट मेथड इज दैट गेट कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर अपेंडेड इन द यूआरएल स्ट्रिंग। ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने मेथड को कर दिया गेट तो क्या होगा, जो भी आप डेटा दे रहे हो वो यूआरएल में अपीयर करेगा, मतलब यूआरएल आपको पता है जो आपका वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वहां पे उसका डेटा भी जाएगा, मतलब एड्रेस के साथ डेटा भी जाएगा, ओके। बाई पोस्ट मेथड कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर इन मैसेज बॉडी, लेकिन पोस्ट क्या करता है, मैसेज बॉडी के अंदर ही डेटा को ले जाता है, ये नहीं कि यूआरएल पर दिखाए, फाइन, ओके। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड क्या है, मोर सिक्योर है, क्योंकि अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो आपका डेटा यूआरएल पर दिखाई देगा, मतलब एड्रेस के साथ डेटा भी दिखाई देगा, फाइन। लेकिन पोस्ट में क्या है, ये मैसेज बॉडी के अंदर रहेगा, एड्रेस के साथ अपीयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे मोर सिक्योर कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है, ओके। गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन, ओके, एंड हैज लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। और गेट मेथड में क्या है, लिमिट होती है, क्योंकि आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही सेंड कर सकते हो गेट मेथड से, क्यों, क्योंकि वो यूएल में अपियर होगा, यूएल के थ्रू जाएगा, तो यूआरएल बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गेट मेथड में जो भी डेटा सेंड करोगे वो बहुत स्मॉल अमाउंट का होना चाहिए, बट पोस्ट मेथड क्या होता है, मैं आप कितना भी डेटा सेंड कर सकते हो, फाइन। तो मैंने यहाँ पे पहले पोस्ट दिया, आपको आई थिंक डिफरेंस समझ आ गया होगा गेट एंड पोस्ट का, ठीक है। फिर एक बार समझाती हूँ, गेट के थ्रू जो आप डेटा सेंड करते हो वो यूआरएल के थ्रू जाता है, वो यूआरएल में दिखाई देता है, पोस्ट के थ्रू जो आप डेटा सेंड करते हो वो बॉडी मैसेज की बॉडी में जाता है, ठीक है, वो यूआरएल पे अपियर नहीं करता। तो यहाँ पे मोर सिक्योर कौन सा है, पोस्ट है, ठीक है। और पोस्ट के थ्रू आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकते हो बट गेट के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि गेट में क्या है, यूआरएल की एक लिमिट होती है कि कितना बड़ा यूआरएल होगा, तो आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा उसके थ्रू सेंड कर सकते हो, फाइन। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अब इसको कंट्रोल एस कर दिया, सॉरी, ओके। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले इसको, फाइन। अब आप डेटा जो सेंड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने एक बार सेंड किया था तो आ रहा है शर्मा, फीमेल, मैंने कर दिया रीडिंग एंड म्यूजिक, ठीक है, इंडिया, इंडिया ही सिलेक्टेड है, इंडिया ही रहने दे, तो ठीक है। मैंने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने लिख दिया आई एम पीजीटी सबमिट दिस फॉर्म। अब देखो ये आपकी जो, अब आपने सबमिट किया, अब आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। अब आपका वर्क क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, एक यूआरएल दे दिया जहाँ पे जाके आपका डेटा सबमिट होगा, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, देखो ये हमारा आ गया है बॉक्स सी, ये मेरा बॉक्स ओपन हो गया, फाइन। यहाँ पे देखो जो मैंने वो यूआरएल डिफाइन किया था वो आ गया है, देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर डेटा आया हुआ है, रियल नेम दीप्ति, सरनेम शर्मा, पासवर्ड 123, रीपास 123, जेंडर आपने एफ दिया था, H2 रीडिंग सिलेक्ट किया है, H3 म्यूजिक सिलेक्ट किया है, मेलिंग लिस्ट यस है आपका, कंट्री आपकी इंडिया है, ठीक है, और इन्फो में दिया है आई एम पीसीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ओके, एंड सबमिट किया है, सबमिट दिस फॉर्म पे आपने क्लिक किया, तो ये आपका आ गया पोस्ट मेथड के थ्रू, क्या हुआ मेरा मेल बॉक्स ओपन हो गया।
फाइन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड कर देती हूँ ना तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये किसके थ्रू जाता है, यूआरएल के थ्रू जाता है। ठीक है, एक बार मैं ये भी करके दिखाती हूँ, गेट किया मैंने, फाइन। अब मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश रिफ्रेश, सी। अब देखो बॉडी के अंदर ये अपीयर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग कर देते हैं, यहाँ हमने इंडिया सेलेक्ट किया है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं सिर्फ हेलो लिख देती हूँ। ठीक है, सबमिट दिस फॉर्म। देखो मेरा मेल बॉक्स तो ओपन हो गया लेकिन बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, बिकॉज जब ये डेटा ट्रांसफर करेगा वो कैसे ट्रांसफर करेगा, यूआरएल के थ्रू ट्रांसफर करेगा, बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट मेथड यूज किया था। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो कंट्रोल्स है वो हमने सीख लिए हैं। ठीक है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है वो आपने देख लिया। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्म। हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट फ्रेम्स इन ब्राउजर विंडो। तो ब्राउजर विंडो में आप फ्रेम्स कैसे बनाओगे, फ्रेम्स का क्या आपको बेनिफिट है, आप ब्राउजर के विंडो को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो और उन सेक्शंस के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल फाइल्स को लोड कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगे एचटीएमएल टैग, फाइन, ओके। नाउ जब आप फ्रेम्स क्रिएट करते हो तो आप के बॉडी टैग यूज नहीं करते हो, ओके। और कलेक्शन ऑफ फ्रेम जो होता है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन अ ब्राउजर विंडो इज कॉल्ड एज फ्रेम सेट। तो यहाँ पे हम फ्रेम सेट बनाएंगे, FRAMESET फ्रेम सेट। रोज रोज से आप डिफाइन करोगे कि कितनी रोज आपको अपने ब्राउजर की विंडो में चाहिए। ठीक है, आप इसको नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो या फिर आप परसेंटेज ऑफ विंडोज विड्थ भी दे सकते हो। ओके, वी नो डेट जो विंडो की हाइट एंड विड्थ होती है, हाइट 100% होती है एंड विड्थ 100% होती है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 50%, ओके, एंड 50%, फाइन, ओके। नाउ आई एम टेकिंग कॉलम्स, कॉलम्स ऑल्सो आई एम टेकिंग इन परसेंटेज 50%, कोमा 50%, फाइन। तो अभी आपने क्या किया है, एक फ्रेम सेट बनाया कि आपके विंडो में 50-50% मींस टू रोज होंगी और टू कॉलम्स होंगे, तो ये टोटल इन टोटल फोर सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो अब फ्रेम्स जो बनाए हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी फाइल्स देनी है फ्रेम SRC। ओके, फर्स्ट फाइल हम यहाँ से लेते हैं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे H1 ले लिया, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, इसका यूएल कॉपी कर लो आप यहाँ से, फाइन। ओके, आई हैव टेकन दिस वन। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो आप स्पेसिफाई करोगे, फ्रेम बॉर्डर वन। ओके, तो जो फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज वेदर अ थ्री डायमेंशनल बॉर्डर शुड बी डिस्प्लेड बिटवीन द फ्रेम्स और नॉट। मतलब कि बॉर्डर्स का थ्री डायमेंशन सॉरी फ्रेम्स का थ्री डायमेंशनल बॉर्डर डिस्प्ले हो या ना हो। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट टेक्स वैल्यू आइदर वन, वन मीन्स येस एंड जीरो मीन्स नो। तो आपने वन दिया तो इसका मतलब है येस, उसका जो फ्रेम का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले हो। ओके, नाउ वी हैव स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट, स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट येस, फाइन। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रॉल बार्स दैट अपीयर ऑन द फ्रेम। ये आपके फ्रेम के अंदर स्क्रॉल बार्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, और इट टेक्स वैल्यूज आइदर येस नो और ऑटो, इसकी तीन वैल्यू होती है, येस नो और ऑटो। जब आप येस करोगे डेट मीन्स इट विल डिस्प्ले द स्क्रॉल बार, फाइन। नाउ आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेम को नेम भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया F1 नेम, फाइन, ओके। नेक्स्ट फ्रेम, SRC स्टैंड फॉर द सोर्स। ठीक है, SRC क्या होता है, सोर्स। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पिक्चर, पिक्चर ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, कॉपी द URL
एंड पेस्ट इट। फाइन। नेक्स्ट जो आपके रेस्ट ऑफ द एटीब्यूट्स है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, नेम इसका हम रख देते हैं F2। फाइन। नेक्स्ट फ्रेम सोर्स, फ्रेम सोर्स नेक्स्ट हम लेते हैं H2 फाइल, कॉपी कर लो UL। फाइन एंड देन पेस्ट इट। ओके, रेस्ट एट्रीब्यूट वी आर टेकिंग फ्रॉम हेयर। ओके, इस फ्रेम का नेम हमने ले लिया F3। फ्रेम SRC, नाउ S3 फाइल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल वी। इंस्टेड ऑफ डूइंग द कॉपी मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे हम फ्रेम का ले लेते हैं F4। फाइन, हमने 4 फ्रेम्स क्रिएट कर लिए हैं क्योंकि हमारे 4 सेक्शंस यहाँ पे हम बना रहे थे। अब आप फ्रेम सेट को क्लोज करोगे, फाइन, एंड HTML को आप क्लोज करोगे। ओके, अब इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल S, इसका नेम रख देते हैं फ्रेम सेट डॉट HTML। फाइन। ओके, ये हमारी फाइल है, ओपन विद गूगल क्रोम, गूगल क्रोम से ओपन कर लेते हैं हम लोग। लोड हो रही है फाइल, देखो अब यहाँ इसके अंदर क्या हुआ है, आपकी जो ब्राउजर की विंडो है 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गई है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज है 50-50% और ये वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, 50-50%। अब यहाँ पे देखो, इस वाले सेक्शन में स्क्रॉल बार नहीं है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही स्मॉल है। फाइन, वो नीचे कोई कंटेंट है ही नहीं तो स्क्रॉल बार की जरूरत है ही नहीं। सेम वे यहाँ पे हमने पिक्चर ली थी लेकिन पिक्चर का साइज भी स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, नाउ लुक एट दिस, ये जो कंटेंट बड़ा है वहां पे स्क्रॉल बार आपकी डिस्प्ले हो रही है। फाइन, यहाँ पे भी देखो कंटेंट थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आपकी डिस्प्ले हो रही है एंड इट इज ऑल्सो शोइंग द फ्रेम बॉर्डर, ये फ्रेम का बॉर्डर भी शो कर रहा है। ओके, सो हियर वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट द फ्रेम सेट, हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट फ्रेम्स। फाइन,